Disclaimer, this film is a work of fiction. Although inspired from real-life incidents, names, characters, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Smoking causes cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना। क्या है फिल्म पुष्पा 2 के पुष्पा के शौक? क्या पुष्पा 2 से है महेंद्र सिंह धोनी का कनेक्शन? क्या रश्मिका मंदाना को लेकर मेकर्स नहीं करना चाहते बात? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। एक्टर अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग सिर्फ आम आदमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे सेलिब्रिटी की वाइफ भी इसमें मौजूद है जो उनकी जबरा फैन है, और वो है इंडिया के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी। दरअसल कुछ दिनों पहले साक्षी ने अपने सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन की एक फोटो पोस्ट की थी और उसके नीचे कैप्शन में लिखा था कि अब आपकी फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर क्या था, पूरा सोशल मीडिया उस पोस्ट को हाईलाइट करने लगा। यहाँ तक कि ऑडियंस ने भी कमेंट किए कि लो भाई, अब तो हमारे धोनी की पत्नी ने भी कह दिया है कि उन्हें पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है। इसीलिए अब तो मेकर्स भी पूरी कोशिश करेंगे फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने की। साक्षी की इस पोस्ट पर अल्लू अर्जुन ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऑडियंस को अल्लू अर्जुन के रिप्लाई का इंतजार है। वैसे पुष्पाराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबकी जुबान पर हमेशा होता है। आखिर सभी को पुष्पा से प्यार जो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा के कैरेक्टर में लाना कोई आसान काम नहीं था। मेकर्स को हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ा था, फिर वो चाहे पुष्पा का हेयर स्टाइल हो या उनकी पर्सनालिटी हो। लेकिन अब जब फिल्म पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन को एक अमीर कैरेक्टर में दिखाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पुष्पा के शौक भी वैसे ही होंगे। सुनने में आया है कि पुष्पा 2 की एक बात ऐसी है जो ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और वो चीज है पुष्पा के 50,000 के जूते। जब मेकर से इतने महंगे जूतों के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही थी, और वो लाइन थी पुष्पा के शौक। वैसे जहां हर तरफ ये खबर फैल रही थी कि फिल्म पुष्पा 2 में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली को मरा हुआ दिखाया जाएगा, तो वहीं अब ये खबर सुनने में आ रही है कि फिल्म के एंड में रश्मिका को वापस दिखाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका को लेकर शूट किए गए हैं, जिससे ऑडियंस इमोशनल हो जाएगी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ मेकर्स ही जानते हैं, और क्या पता मेकर्स ने ही इस बात को ऑडियंस तक पहुंचाया हो सभी को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि फिल्म का हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाए।
जब मेकर्स से रश्मिका की वापसी के बारे में पूछा गया था तो मेकर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये खबर मेकर्स के कानों तक भी पहुंच गई होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स इस सवाल का जवाब शायद नहीं देना चाहते। लेकिन आप अपना जवाब जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिद्ध वितरण समूह AA फिल्म्स के संस्थापक अनिल थडानी ने अभी हाल ही में बाहुबली 2 द कंफ्यूजन के 6 साल पूरे होने के अवसर पर एक विशेष इंटरव्यू दिया। SS राज मौली फिल्म के साथ उन्होंने बाकी फिल्मों के बारे में भी बताया जो साल के आने वाले महीनों में सिनेमा घरों में रिलीज होंगी। ये पूछे जाने पर कि उन्हें अपने भविष्य की किस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं, थडानी ने कहा, मुझे आदि पुरुष से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि संभावित रूप से ये गेम चेंजर हो सकती है, मुझे इसकी उम्मीद है। स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, निर्देशक एक बड़ी सफलता है, प्रोडक्शन हाउस एक ब्रांड है, संयोजन अद्भुत है। ओम राउत द्वारा निर्देशित आदि पुरुष फिल्म प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है। फिल्म में एक्टर प्रभास, प्रीति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और देवदत्त नाग क्रमशः भगवान राम, सीता, रावण, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिकाओं में नजर आएंगे। AA फिल्म्स ने तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइस पार्ट 1 के हिंदी वर्जन के साथ भी सफलता हासिल की है, जो हिंदी बाजार में भी एक हिट फिल्म बन गई है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर ने तो क्या ही काम किया है। इसे शेयर करते हुए थडानी ने कहा, हीरो की आभा, शानदार निर्देशन और एक्टर का स्टारडम ने ही इसे निश्चित रूप से सक्सेसफुल बनाया। ये उस तरह की फिल्में हैं जिन्हें हमारे दर्शक देखने के आदी नहीं थे। वे इन फिल्मों को गोद लेते हैं और उत्तर में वे अलग अलग तरह की रीमेक बनाते हैं। ये ऐसा कुछ था जिसे देखने में उन्हें मजा आता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें पुष्पा द रूल पार्ट 2 से भी बहुत उम्मीद है। उन्होंने कहा, पुष्पा 2 फिर से रिकॉर्ड बनाने के लिए संभावित फिल्म है। दक्षिण की फिल्मों के हिंदी बाजार में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ बहुत सारे फिल्म निर्माता और राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स दक्षिण और हिंदी दोनों से भारतीय सिनेमा के रूप में सभी भारतीय फिल्मों की पहचान की वकालत कर रहे हैं, चाहे कोई भी फिल्म हो। थडानी भी यही मानते हैं, आखिरकार ये सब अंत में भारतीय सिनेमा है। आज हम अपनी हिंदी फिल्मों को अन्य भाषाओं में डब कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पूरे भारत में एक बंगाली फिल्म चंगेज रिलीज की। ये पैन इंडिया बन रही है, ये एक ट्रेंड बन रहा है। आपका इस ट्रेंड को लेकर क्या कहना है, अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पुष्पा 2 के मेकर्स की कौन सी बात लगी बचपना, क्या एक्ट्रेस साई पल्लवी विलन के कैरेक्टर से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएगी, कैसे डायरेक्टर सुकुमार ने पूरी की ऑडियंस की उम्मीदें। फिल्म पुष्पा 2 की एक छोटी सी वीडियो को रिलीज किया गया था जिसने आते ही सभी फिल्म्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, लेकिन अब वही कुछ लोगों को वो छोटी सी वीडियो एक बचपना लग रही है, क्योंकि जिस तरह से उस वीडियो में दिखाया गया था कि एक्टर अल्लू अर्जुन के आते ही शेर 2 कदम पीछे चला गया था, तो ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 को सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है। भले ही कुछ लोगों को वो वीडियो पसंद ना आया हो, लेकिन जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आया उन्होंने यही कहा कि सुकुमार सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, फिर चाहे वो बाहुबली 2 क्यों ना हो। सुकुमार की फिल्में हमेशा शुरू से लेकर फिल्म के आखिर तक सरप्राइज से भरी होती है, ये तो सच है। फिल्म पुष्पा 2 से जुड़ी एक न्यूज ऐसी है जो एक्ट्रेस साई पल्लवी के चाहने वालों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा देगी। कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि पुष्पा 2 में साई विलन के किरदार को निभाते नजर आएंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भी विलन के किरदार में। आज तक सभी ने साई को एक प्यारे से और क्यूट से कैरेक्टर को निभाते हुए देखा है, लेकिन पुष्पा 2 एक अलग ही पहचान देने वाली है साई को। साई की भी ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें वो एक विलन कैरेक्टर को निभाते हुए नजर आएंगी। जब साई से पुष्पा 2 में उनके कास्टिंग को लेकर सवाल पूछे गए तो साई ने स्माइल करते हुए कहा था कि उन्हें अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद सभी को इन्फॉर्म कर देंगी कि उन्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला है। एक सिंपल सी कहानी होने के बावजूद पुष्पा फिल्म हिट हो गई थी, क्योंकि फिल्म में जिन जिन को कास्ट किया गया था वो सारे के सारे एक्टिंग में माहिर थे, खासकर एक्टर अल्लू अर्जुन।
ऑडियंस को फिल्म पुष्पा से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, वो बस चाहते थे कि फिल्म में कुछ हो या ना हो पर मसाला भर भर कर होना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन को फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ मसाला चाहिए होता है, फिर वो चाहे उन्हें एक्शन सीन्स को देखने से मिले या फिल्म के विलन की एक्टिंग से। यहाँ तक कि मेकर्स ने पुष्पा को हिट बनाने के लिए कोई खास प्रमोशन नहीं किया था और ना ही किसी शो पर जाकर उन्होंने फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। अगर सही में देखा जाए तो पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार ने ऑडियंस की नीड को फुलफिल किया था, जिस वजह से फिल्म हिट साबित हुई और अब लगता है पुष्पा 2 में भी भर भर के मसाले होंगे। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर। बॉक्स ऑफिस पर कब्जा प्रभास या अल्लू अर्जुन, कौन सी जोड़ी होगी बेहतर, प्रभास और श्रुति या फिर अल्लू अर्जुन और रश्मिका? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि पुष्पा द राइज के बाद अब पुष्पा की सेकेंड मूवी पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद थी इस साल के अंत तक पुष्पा 2 रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब भी फिल्म का कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें इस साल आरआरआर की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स को हो गया है थोड़ा सा डर, ऐसा सुनने में आ रहा है। उन पर आ चुका है एक अलग तरीके का प्रेशर और मेकर्स अब कर रहे हैं कोशिश स्क्रिप्ट को बेहतर करने की। स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है, फेर बदल किए जा रहे हैं, जिससे कि ऑडियंस को प्रॉपर एक्शन इस तरीके का डिलीवर हो कि वो नॉर्थ और साउथ की ऑडियंस दोनों को ही बहुत अच्छे से केटर करें। साथ ही ऐसा भी सुनने में आ रहा है फिल्म पर जोर शोर से काम चल रहा है और फिल्म अगले साल गर्मियों में रिलीज की जा सकती है। इसी के साथ साथ अब अगले साल फिल्म के रिलीज से ये तो तय है कि प्रभास की फिल्म सालार और पुष्पा 2 का क्लैश होना तो पक्का ही है, क्योंकि दोनों ही फिल्में बहुत ही बेहतर हैं। वहीं जहां अल्लू अर्जुन पूरे इंडिया का दिल जीते बैठे हैं, वहीं प्रभास ने भी इंडिया का अलग ही तरीके से दिल जीता था बाहुबली और साहो के रूप में। आपको बता दें कि ये दोनों ही क्लैश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और देखना दिलचस्प होगा कि कौन मारेगा बॉक्स ऑफिस पर बाजी। आपको बता दें कि दोनों ही फिल्मों का बजट उम्मीद की जा रही है होने वाला है 200 से 300 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है 500 करोड़ से ऊपर का। अब जहां कलेक्शन तय है या नहीं, लेकिन ये तो पता है कि फिल्म दोनों ही फिल्में बहुत हिट होने वाली है। साथ ही आपको बता दें सालार में नजर आएंगे प्रभास के साथ साथ श्रुति एज हीरोइन और वहीं ये भी देखने को मिलेगा कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी रश्मिका मंदाना। अब दिलचस्प होगा कि कौन मारेगा बाजी बेहतर जोड़ी बनने में, प्रभास और श्रुति जो पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे या फिर अल्लू और रश्मिका जो पहले ही ऑडियंस पे अपना जादू चला चुके हैं। एक्टर राजकुमार हुए किडनैप। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कूस मुनिसामी वीरप्पन, जो भारत के एक डाकू से डोमेस्टिक टेररिस्ट बन गया, जो 36 वर्षों से एक एक्टिव टेररिस्ट था जिसने फिरौती के लिए मेजर पॉलिटिशियंस का अपहरण भी कर लिया था। इतना ही नहीं, उस पर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में झाड़ियों और जंगलों में चंदन की स्मगलिंग और हाथियों के इलीगल शिकार का आरोप लगाया गया था। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा एक्टर राजकुमार और 3 अन्य लोगों को तमिलनाडु कर्नाटक सीमा से पास सत्यमंगलम तारुक ईरोड जिले के एक गांव डोडा गजनूर से अगवा कर लिया, जहां फिल्म स्टार अपने गृह प्रवेश प्रोग्राम में भाग ले रहे थे। 30 जुलाई 2000 को लगभग 9:30 बजे वीरप्पन ने 10 या 12 आदमियों के साथ तमिलनाडु के गजनूर में राजकुमार के फार्म हाउस पर हमला किया। राजकुमार ने 27 जुलाई 2000 को एक नए घर के लिए प्रवेश ग्रह करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए वो गजानूर तक आए थे। राजकुमार ने खाना खाया ही था कि वीरप्पन और उसके गुंडे अंदर घुसाए। राजकुमार की पत्नी पार्वतम्मा राजकुमार ने बताया कि राजकुमार और उनके परिवार के सदस्य उस वक्त टेलीविजन देख रहे थे जब वीरप्पन घर के अंदर आया और तब उसने कन्नड़ में पूछा, हमें सर चाहिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जब राजकुमार उनके सामने आया तो वो राजकुमार को घर से बाहर तेज बारिश में ही ले गई। एक राजकुमार जैसे एक्टर की किडनैपिंग की बात फैलते ही लोगों ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। उनके फैंस ने
जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की। बैंगलोर के साथ साथ कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में पब्लिक का गुस्सा और वायलेंस बढ़ गया। 22 सितंबर को बैंगलोर में एक हड़ताल भी हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पुलिस ऑफिसर ने तमिलनाडु सरकार से मदद मांगी और मदद मांगने के लिए उन्होंने चेन्नई तक जाना पड़ा। अगले 25 सालों में वीरप्पन और बाकी शिकारियों ने मिलकर 2000 से 3000 हाथियों को मार डाला, जिसके लिए उसे पहली बार 1972 में गिरफ्तार किया गया था। 17 साल की उम्र में अपनी पहली हत्या के बाद उसने अपनी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने वालों को मारना शुरू कर दिया। उसके शिकार पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे। वीरप्पन लगभग 184 लोगों को मारने के लिए वांटेड था, जिनमें से लगभग आधे पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। वीरप्पन को पकड़ने की लड़ाई में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों को 100 करोड़ से अधिक खर्च करने पड़े। पुष्पा और श्रीवली मिलकर किसी तरह से एसपी को अपनी झांसी में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में श्रीवली ने जो एक और बात पुष्पा को बताई वो ये थी कि इंडिया से बाहर पुष्पा के जितने भी कनेक्शन है उनसे पुष्पा बात करके थोड़े दिनों के लिए सप्लाई बंद कर दे, क्योंकि हर बार वो पुलिस पुष्पा को यही धमकी देता है कि वो उसके इस माल को इलीगल प्रूफ करके पकड़वा देगा। और ये बात पुष्पा को काफी हद तक परेशान करती है, क्योंकि मेन अर्निंग पुष्पा की ये आउटडोर बिजनेस से ही आती है और इसी बिजनेस पर एसपी की बुरी नजर पड़ी हुई है। श्रीवली की ये बात पुष्पा को बहुत सही लगी और उसने तुरंत ही अपने बाहर के स्टॉक्स को बंद करवाने का फैसला लिया और बंद कर दिया। श्रीवली ने पुष्पा से कहा कि वो एसपी की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करे, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी होती ही है और ये कमी कई बार वीकनेस में बदल जाती है और हम उसकी इस वीकनेस को उसी के ही खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर यूज कर सकते हैं। पुष्पा जब इस काम में लगता है तो उसे पता लगता है कि एक्चुअली में एसपी का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चली गई है और एसपी अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट चुका है, जिसमें से सबसे पहला ये है कि वो अपनी बीवी को पागल प्रूफ करना चाहता है। ऐसा अगर उसने कोर्ट में साबित कर दिया तो उसे उसकी बेटी की कस्टडी बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब पुष्पा ये सोच रहा है कि एक बार वो एसपी से ये कहे कि वो उसकी बीवी को पागल प्रूफ करने में उसकी मदद करेगा तो एसपी डेफिनेटली उसके झांसे में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। और जाते जाते आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 का इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि अब मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी एक झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जी हाँ, लोकप्रिय पुष्पा फ्रेंचाइज का अगला भाग पुष्पा द रूल फ्लोर पर जा चुका है। हाल ही सेट पर मूवी के सिनेमेटोग्राफर मिरोस्लो कुबा ब्रोजे के साथ लीडिंग स्टार अल्लू अर्जुन की एक तस्वीर लीक हुई है। इसमें ब्रोजिक जहां अभिनेता को कुछ समझा रहे हैं, वहीं अभिनेता उनकी बात बड़े चाव से सुनते नजर आ रहे हैं। जाने माने डायरेक्टर सुकुमार के निर्देशन में बन रही मूवी में अल्लू अर्जुन एक बार फिर से अपने कैरेक्टर पुष्पा राज को निभाएंगे, जिसमें रश्मिका मंदाना पहले की तरह श्रीवल्ली के किरदार में होंगी। वहीं फहद फाजिल भी मूवी में अपने चरित्र भंवर सिंह शेखावत को फिर से दोहराएंगे। साथ ही लीड हीरो पुष्पा मूवी की शूटिंग 12 दिसंबर से शुरू करेंगे। ये शूटिंग का कार्यक्रम 15 दिन का हैदराबाद का स्केड्यूल होगा। मूवी लवर्स इसकी घोषणा के बाद से ही सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं और इसके हर एक अपडेट पर पैनी नजर रखते हैं। पिछले दिनों ही अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ पहली हिंदी मूवी गुडबाय के प्रमोशन में रश्मिका ने एक इंटरव्यू में पुष्पा 2 को लेकर खुलकर बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि उनकी हिंदी डेब्यू रिलीज होने के बाद बहुत जल्द पुष्पा 2 शुरू होने जा रही है, जो कि पहले पार्ट से काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। वहीं अल्लू अर्जुन ने एक खास बातचीत में कहा था, मैं पुष्पा 2 को लेकर बहुत ही चार्ज्ड अप हूँ, शूटिंग के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में दर्शकों को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमने पार्ट 1 से बेस तैयार कर लिया है, इसमें हमें पार्ट 2 को एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिल गया है।
पुष्पा द राइज दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी, जिसने बिना प्रमोशन के उम्मीदों से परे बॉक्स ऑफिस कारोबार किया था। अल्लू अर्जुन स्टारर ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर पसंद की गई और इसमें उत्तर के दर्शकों से खूब प्यार मिला। 160 और 170 करोड़ की लागत से बनी इस मूवी ने दुनिया भर से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसलिए मेकर्स पार्ट 2 को बिग स्केल पर फिल्मा रहे हैं, जिसका बजट 400 करोड़ रुपए के बीच रखा गया है। ये मूवी कब रिलीज होगी इसके बारे में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। तो आप मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाकी आदमियों ने बताया कि एसपी की बीवी रोज रात में दारू पी कर आती है, दिन में भी वो अपनी बेटी को दे के सेंटर में छोड़ देती है, अपनी बेटी के साथ तो वो कभी रहती ही नहीं। पुष्पा ने उसे कहा कि अगले दिन जब वो आ जाए तो तुम्हें उसकी फोटो लेना है और उसके घर में काम करने वाले नौकरों से पूछो कि मैडम का बिहेवियर कैसा है, खासकर उसकी बेटी की तरफ, और वो जो भी कहे वो तुम रिकॉर्ड करके लाओ। एसपी भी पुष्पा को अपनी मदद करते देख रहा था तो उसे भी उम्मीद थी कि शायद अब सच में वो अपनी बेटी को वापस पा सकता है। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब एसपी को अपनी बेटी के केस की आखिर डेट के लिए कोर्ट जाना था। पुष्पा के पास सबूत है ये तो पता था एसपी को, पर क्या सबूत है ये नहीं पता था। एसपी के पीछे पीछे पुष्पा भी सारे एविडेंसेस लेकर कोर्ट की तरफ चल दिया, पर ये सब करना उतना आसान नहीं था जितना पुष्पा ने सोच रखा था। जैसे ही पुष्पा थोड़ा आगे गया वैसे ही पुष्पा के पीछे गाड़ी आई जिसमें कुछ गुंडे थे। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर वो सारे गुंडे पुष्पा से ही लड़ने लगे। उधर दूसरी तरफ कोर्ट में एसपी की हियरिंग चालू हो चुकी थी और इधर पुष्पा अपने साथ सारे सबूत लेकर उतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ाई लड़ रहा था। पुष्पा एक्चुअली दो लड़ाइयां लड़ रहा था, एक तो खुद को एसपी से बचाने की और दूसरी एक पिता को उसकी बेटी दिलवाने की। और पुष्पा इन दोनों में से कोई भी लड़ाई नहीं हार सकता था। पुष्पा के दांव पेच से उसने गुंडों से लड़ाई जीत ली, पर अब भी एक जंग बची थी जिसका फैसला कोर्ट में होना था। पुष्पा उसे भी जीतने की ओर चल दिया। फाइनली पुष्पा कोर्ट में पहुंचा और उसने वो सारे सबूत दिखाए जिससे एसपी की बीवी गिल्टी प्रूफ हो रही थी, और इसके साथ ही ये प्रूफ हो रहा था कि वो एक अच्छी मां नहीं है और उसे बेटी की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। एसपी ये केस जीता और कोर्ट से बाहर आते ही उसने पुष्पा से कहा कि वो इस गांव की जिम्मेदारी उसे सौंप कर जा रहा है, क्योंकि अब वो अपनी बच्ची के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करना चाहता है। और इस तरह से श्रीवल्ली और पुष्पा की ये प्लानिंग उन सब के फेवर में काम कर गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। आईबीट पार्ट से हुई स्मगलिंग, कहां से उड़ान भरी स्मगलर्स, किस तरीके से हो रही थी स्मगलिंग। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज। अफ्रीका के युगांडा के एक गांव से बड़े स्तर पर भारत के कुछ देशों में अनोखे तरीके ड्रग्स भेजे गए। देश की एक तिहाई जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, इसलिए युगांडा एक गरीब देश है। भारत में बड़ी मात्रा में हीरोइन की तस्करी के मिशन पर ये सब तस्कर एंटेबे से उड़ान भरे थे। ये सारे तस्कर युगांडा के एंटेबे से सवार हुए और शारजाह संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते भारत आए थे। ये सभी भारत में बिजनेस वीजा पर आए थे। जब तस्कर अपने देश से निकले तब ड्रग्स को कैप्सूल में भरकर तस्करों ने गले में पानी के माध्यम से निगल लिया। भारत में ये तस्कर बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली समेत अलग अलग देशों के एयरपोर्ट पर उतरे। वहां पुलिस इन पर निगाहें लगाकर खड़ी थी तो इन सबको वहां से गिरफ्तार किया गया। करोड़ों रुपए कीमत की ड्रग्स भारत में तस्करी करके लाई गई थी, जिससे हड़कंप मच गया। ये सारी ड्रग्स दिल्ली जानी थी, यहां से इसे पंजाब और जम्मू कश्मीर भेजा जाना था। इस ड्रग्स तस्करी में बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर का हाथ बताया जा रहा है। इसके साथ जयपुर जाने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार तस्कर में महिला तस्कर थी, जो अपने प्राइवेट पार्ट यानी रेक्टम में ड्रग्स से भरे 70 से 80 कैप्सूल छिपा कर लाई थी। महिला को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने महिला के प्राइवेट पार्ट से कुल
60 कैप्सूल बाहर निकाले, बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई गई। इसी तरह से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर DRI के अधिकारियों ने एक तस्कर को पकड़ा, उसके पेट में 1 किलो कैप्सूल मिले। 2 दिन बाद गुजरात में एक अन्य महिला को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। तीनों के पास बेंगलुरु और अहमदाबाद में उतरने के तुरंत बाद दिल्ली जाने के लिए घरेलू टिकट। वो दिल्ली में एक बेनाम सिंडिकेट के एक सदस्य को ड्रग्स सौंपने वाले थे। सारे तस्कर युगांडा के एक गिरोह का हिस्सा थे, जिसने अधिकारियों ने बताया था कि इस तरह की तस्करी में वाहक कैप्सूल में कोकेन निकलते हैं। बाद में ये कैप्सूल उनके पेट से निकाल ली जाती है। ऐसी ही कुछ तस्करी के अनोखे तरीके हम पुष्पा 2 में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा अब की बार भी तस्करों की पोल खोलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। श्रीवल्ली ने पुष्पा से कहा कि वो SP की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करे, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी होती ही है और ये कमी कई बार वीकनेस बन जाती है और हम इसी वीकनेस को उसी के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर यूज कर सकते हैं। पुष्पा जब इस काम में लगता है तो उसे पता लगता है कि एक्चुअली में SP का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चली गई है और SP अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट चुका है, जिसमें से सबसे पहला ये है कि वो अपनी बीवी को पागल प्रूव करना चाहता है। ऐसे अगर उसने कोर्ट में साबित कर दिया तो उसे उसकी बेटी की कस्टडी बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब पुष्पा ये सोच रहा है कि एक बार वो SP से ये कहे कि वो उसकी बीवी को पावर प्रूफ करने में उसकी मदद करेगा तो SP डेफिनेटली उसके झांसे में आ जाएगा। पुष्पा ने अब अपने आदमियों से दिन रात SP की बीवी पर नजर रखने को कहा, हर चीज पता करने के लिए बोला, जैसे वो कहाँ जाती है, कब जाती है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर पुष्पा ने SP के लिए एक भी सबूत इकट्ठा कर लिए तो SP अपनी बच्ची को पा सकता है और वो पुष्पा के कर्ज तले हमेशा दबा रहेगा, जिसका पुष्पा बखूबी फायदा उठाना चाहता है। एक दिन ऐसे ही पुष्पा के आदमियों ने बताया कि SP की बीवी रोज रात में दारू पीकर आती है, दिन में भी वो अपनी बेटी को डे के सेंटर में छोड़ देती है, अपनी बेटी के साथ तो वो कभी रहती ही नहीं। पुष्पा ने उसे कहा कि अगले दिन जब वो जाए तो तुम्हें उसकी फोटो लेना है और उसके घर में काम करने वाले नौकरों से पूछो कि मैडम का बिहेवियर कैसा है, खासकर उसकी बेटी की तरफ, और वो जो भी कहे ये तुम रिकॉर्ड करके लाओ। SP भी पुष्पा को अपनी मदद करते देख रहा था तो वो उसे भी उम्मीद थी कि शायद अब सच में वो अपनी बेटी को वापस पा सकता है। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। आगे पुष्पा को और कौन से सबूत मिलते हैं और वो उन्हें किस तरह से प्रेजेंट करता है, ये देखने के लिए बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो में। वैसे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। 1987, ये बात तब की है जब इंडिया और चाइना में युद्ध चल रहा था। 1987 में नाम उछला वीरप्पन का, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को ना किडनैप किया, फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को भी उड़ा दिया जिसमें 22 लोग मारे गए। 1997 में वीरप्पन ने 2 लोगों को किडनैप किया था सरकारी अफसर समझकर, पर वो दोनों फोटोग्राफर थे। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। उन्होंने वीरप्पन की अलग ही स्टोरी सुनाई। वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा इमोशनल था। उसने कहा कि जंगल में जो कुछ होता है ना, उसका इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया जाता है, पर मुझे पता है 20-25 गैंग शामिल है इस काम में, सारा काम मैं ही थोड़ी करता हूँ, मैंने तो कब का छोड़ दिया है। हाथियों को तो इंसान ने कितना तंग किया है। वीरप्पन उस समय नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन पढ़ रहा था। 2000 में हीरो की किडनैपिंग के बाद 50 करोड़ मांगे गए थे राजकुमार की रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाके के लिए वेलफेयर स्कीम मांगी गई थी। ये रॉबिनहुड बनने का ना अलग ही स्टाइल था। फिर 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग ना पूरी होने पर उसको मार दिया। ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र की वीरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर दिया। उसी वक्त एक अफवाह भी उड़ी कि एक बार वीरप्पन को पुलिस ने घेर लिया था, हेडशॉट लेने की तैयारी चल रही थी, पर वीरप्पन ने ना अपने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर किसी बड़े मंत्री को फोन किया और पुलिस वहाँ से हट गई। 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिनमें से 97 लोग तो पुलिस के ही थे।
हाथियों को मारना इसका पेशा, हॉबी और लोगों से दोस्ती का फर्ज अदा करने का तरीका था। 5 करोड़ का इनाम था इसके सर पर। जब इसको बच्ची पैदा हुई ना, तो इसने उसका गला घोट दिया और उसको मार डाला। इसने अब तक 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट कर बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। फिर अपन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी ना, उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपको बता दें कि इस कहानी से इंस्पायर्ड है पुष्पा की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा लेती हूँ अब आप सभी से अलविदा। आपको ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी रियल पुष्पा की। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद किसी ने नहीं दौड़ाया। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की 6,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था उसका राज। इस राज में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे। एक बड़ा आदमी आया था इस जगह 1997 में, आंख कान पर पट्टी बांध के घसीटते हुए लाया गया था। उसका नाम था राजकुमार, कन्नड़ फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो। 5-स्टार होटल में रहने वाले को 109 दिन रहना पड़ा था उस एरिया में, और तभी पूरे भारत को पता चला कि ये एरिया किसका है। वीरप्पन का गांव कर्नाटक में आता है। राजकुमार तमिलनाडु में जन्मे थे। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा है, तो राजकुमार को इसीलिए किडनैप किया गया था कि पानी के मुद्दे पर बात की जा सके। रिपोर्टर को वीरप्पन के बचपन के एक दोस्त ने बताया कि कम उम्र में ही वीरप्पन हाथियों के दांत का तस्कर बन गया था। चंदन की लकड़ी के बाद ये काम आया। फिर वीरप्पन की बीवी ने इसको बताया कि बिल्कुल स्टाइल में वीरप्पन ने उसके पिता से हाथ मांगा था, पर इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि वीरप्पन जयललिता और करुणा निधि के झगड़े की पैदाइश था। 1962 में 10 की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था, एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 अफसरों को भी मारा था। नाम था वीरैया। गांव के लोगों के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब था, साधारण आदमी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने ही इसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए। फिर जब से ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया, नई कहानी शुरू हुई। गांव के लोगों का ये भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता था कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंस के वीरप्पन बनता है और ये कितना तकलीफ देह होता है। आपको बता दें कि इस कहानी से इंस्पायर्ड है पुष्पा की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद किसी ने नहीं दौड़ाया। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों के 6,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था उसका राज। इस राज में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे। एक बड़ा आदमी आया था इस जगह 1997 में, आंख कान पर पट्टी बांध के घसीटते हुए लाया गया था। उसका नाम था राजकुमार, कन्नड़ फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो। 5-स्टार होटल में रहने वाले को 109 दिन रहना पड़ा था उस एरिया में, और तभी पूरे भारत को पता चल गया कि ये एरिया किसका था। वीरप्पन का गांव कर्नाटक में आता है। राजकुमार तमिलनाडु में जन्मे थे। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा था, तो राजकुमार को इसीलिए किडनैप किया गया था कि पानी के मुद्दे पर बात की जा सके। रिपोर्टर को वीरप्पन के बचपन के एक दोस्त ने बताया कि कम उम्र में ही वीरप्पन हाथियों के दांत का तस्कर बन गया। चंदन की लकड़ी के काम में तो बाद में आया। फिर वीरप्पन की बीवी ने इनको बताया कि बिल्कुल स्टाइल में वीरप्पन ने उनके पिता से हाथ मांगा था, पर इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि वीरप्पन जयललिता और करुणा निधि के झगड़े की पैदाइश था। 1962 में 10 की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था, एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 अफसरों को भी मारा था। नाम था वीरैया। गांव के लोगों के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब था, साधारण आदमी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने ही इसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए। फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया, नई कहानी शुरू हुई। गांव के लोगों का ये भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं, पर ये कोई नहीं जानना चाहता कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंस के वीरप्पन बनता है, और ये कितना तकलीफ देह होता है ये कोई नहीं जानता। आपको बता दे कि इस कहानी से इंस्पायर्ड है पुष्पा की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो कर दिया किडनैप।
हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 1987 ये बात जब की है जब इंडिया और चाइना में युद्ध चल रहा था। 1987 में नाम उछला वीरप्पन का, जब उसने चिदंबरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप किया, फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को ही उड़ा दिया जिसमें 22 लोग मारे गए। 1997 में वीरप्पन ने दो लोगों को किडनैप किया था, वो भी सरकारी अफसर समझकर, पर ये दोनों लोग फोटोग्राफर थे। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। इन्होंने वीरप्पन की एक अलग ही स्टोरी सुनाई। वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा इमोशनल था। उसने कहा कि जंगल में जो कुछ होता है मेरे नाम पर मर दिया जाता है, पर मुझे पता है कि 20 से 25 गैंग शामिल है इस काम में। सारा काम मैं नहीं करता, मैंने कब का छोड़ दिया है। हाथियों को तो इंसान ने कितना तंग किया है। वीरप्पन उस समय नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन पढ़ रहा था। 2000 में हीरो की किडनैपिंग के बाद 50 करोड़ मांगे थे राजकुमार की रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये रॉबिनहुड बनने का अलग स्टाइल था। फिर 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी ना होने पर मार दिया। ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र की वीरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर लिया। उसी वक्त एक अफवाह भी उड़ी कि एक बार वीरप्पन को पुलिस ने घेर लिया था, हेडशॉट लेने की तैयारी चल रही थी, पर वीरप्पन ने अपने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर एक मंत्री को फोन किया और पुलिस वहां से हट गई। 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। हाथियों को मारना इसका पेशा, हॉबी और लोगों की दोस्ती का फर्ज अदा करने का तरीका था। 5 करोड़ का इनाम था इसके सर पर। जब इसको बच्ची पैदा हुई तो इसने उसका गला घोट दिया। इसने अब तक 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट कर बेच दी जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपको बता दें, इसी कहानी से इंस्पायर्ड है पुष्पा की कहानी। मुरगन लेगा पुष्पा से बदला, कैसे करेगा पुष्पा लकड़ियों की सप्लाई, क्या है इस सिंडिकेट का अगला प्लान। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा की भूमिका निभाएंगे और रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी की भूमिका निभाते हुए शिवली के किरदार में होंगी। नेगेटिव रोल्स में माइम गोपियास चिन्नय मुरगन, फहद फासिल, भंवर सिंह शेखावत एक आईपीएस ऑफिसर, धनंजय एज जॉली और सुनील वर्मा एज मंगलम शीनू के नेगेटिव रोल्स में दिखाई देंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह पुष्पा मुरगन को उसके काले धंधे के लिए सबक सिखाता है और सिर्फ उसका साथ ही नहीं उसके साथ पार्टनरशिप भी तोड़ देता है। शिवली पुष्पा से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब देना उसके लिए बहुत कठिन होता है। शिवली पुष्पा से पूछती है कि क्या वो एक ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करता है जो गांव में नकली दवाइयां सप्लाई करने का धंधा करता है, और वो जवाब में सिर्फ हाँ या फिर ना मांगती है। पुष्पा को समझ नहीं आता कि वो इसका जवाब क्या दे, क्योंकि इतने लंबे समय से वो मुरगन के साथ ही तो पार्टनरशिप करता आया है। इसलिए पुष्पा हाँ कह देता है। ये सुनकर जो श्रीवल्ली होती है ना, वो टूट जाती है और रोते रोते बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वहां से जाने ही वाली होती है कि पुष्पा उसे रोकता है और बोलता है कि मेरी पूरी बात तो सुन लो, पर वो कहती है कि अब सुनने को और रह ही क्या गया है, मुझे तुम्हारे भाई ने सब कुछ बता दिया है। मुझे लगा था कि वो तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, पर तुम तो, और इससे पहले कि श्रीवल्ली आगे कुछ बोल पाती, पुष्पा बोलता है कि हाँ वो ये सब इसलिए कर रहा है और अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मुझे अपनी बात कहने दो, और ऐसा कहकर वो श्रीवल्ली को पूरी कहानी बताता है। पूरी बात सुनकर ना श्रीवल्ली को काफी बुरा लगता है कि उसने पुष्पा पर विश्वास नहीं किया और वो उससे माफी मांगती है। अगले दिन पुष्पा एक मीटिंग रखता है जिसमें वो मिनिस्टर और बाकी के व्यापारियों को बुलाता है और सबको बताता है कि कल रात क्या हुआ, उसने मुरगन के साथ डील भी तोड़ दी। ये सुनकर मिनिस्टर ना आग बबूला हो जाते हैं और पुष्पा से बोलता है कि मुरगन नहीं तो अब तुम किस तरीके से इतनी मेहनत से जमा करी हुई लकड़ियां सप्लाई करोगे। पुष्पा इस तरह के व्यवहार को देखकर बहुत निराश होता है कि किस तरह सबको सिर्फ पैसों की पड़ी है, लोगों की जान की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। पुष्पा कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए पैसा बहुत मायने रखता है, पर ये नहीं जानता था कि कुछ लोगों के लिए वो उनके परिवार और उनकी जान से भी बढ़कर है। पुष्पा कहता है कि लकड़ियों की सप्लाई अब हम खुद ही करेंगे और इस काम को करने में ना खुद हमारा पार्टनर मुरगन ही हमारी मदद करेगा। आखिर क्या है पुष्पा का आगे का प्लान, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। किस फोटो को सुकुमार ने किया शेयर? क्या पुष्पा 2 का फर्स्ट ग्लिम्स हो गया है आउट?
और आखिर ये फोटो किस चीज की तरफ इशारा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा द रूल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इसी बेसब्री को देखते हुए अब मेकर्स ने इस फिल्म के सेट से इस फिल्म की पहली झलक साझा की है। इसको फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। इस पोस्ट पर फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए इस पर लिखा है, इसे देखिए ये तो शुरुआत है, और इसी के साथ फायर इमोजीज भी लगाई हैं उसके साथ। और आपको बता दें कि ये फोटोज फिल्म के सेट से हैं। इस फोटो में सुकुमार भी नजर आ रहे हैं और वो इन लोगों को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके सामने कैमरा और लाइट्स भी लगी हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि पुष्पा द राइज के बाद पुष्पा द रूल का क्रेज लोगों में सर चढ़ के बोल रहा है और इसका बहुत ही ज्यादा हाइप बना हुआ है। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन या फिर इस फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को लेकर अगर कोई भी न्यूज आती है तो इसके फैंस, इस फिल्म के फैंस बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है और काफी अच्छे तरीके से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। और ऐसा भी दावा किया गया था इस फिल्म में कि इस फिल्म में हमें अर्जुन कपूर देखने को मिल सकते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन बाद में इस दावे को झुठला दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस फिल्म में हमें विलन के तौर पर फहाद फाजिल ही नजर आएंगे। पुष्पा द राइज ने 2021 में टॉलीवुड के साथ साथ हिंदी पट्टी पर भी बहुत ही अच्छी कमाई की थी। इसने 100 करोड़ का बिजनेस सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री में किया था और इसी के साथ अल्लू अर्जुन को एक पैन इंडिया स्टार बना दिया था। पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बार ऐसा दिखाया जाएगा कि फिल्म का विलन यानी कि फहाद फाजिल पुष्पा की बीवी यानी कि श्रीवल्ली को मार देगा और अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। उसके बाद वो क्या स्टेप्स लेगा, इसी पर पूरी स्टोरी बेस्ड होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा पुष्पा का अगला कदम, और आप इस कहानी के लिए, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। पुष्पा और मुर्गन के बीच छिड़ी जंग, पुष्पा ने लिया बड़ा फैसला, क्यों हुई माल की वापसी, पुष्पा हुआ घायल। फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा की भूमिका निभाएंगे और रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी की भूमिका निभाते हुए श्रीवल्ली के किरदार में होंगी। निगेटिव रोल्स में मीम गोपी एज चेन्नई मुर्गन, फहद फासिल भंवर सिंह शेखावत, एक आईपीएस ऑफिसर धनंजय एज जॉली और सुनील वर्मा एज मंगलम श्रीनू निगेटिव रोल्स में दिखाई देंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई है। दर्शकों को इंतजार है पुष्पा 2 की रिलीज का, जो जल्द सिनेमा में एक बार फिर धूम मचाएगी। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह मुर्गन के गैर धंधे के राज खुलने पर पुष्पा उसके साथ डील तोड़ने का फैसला करता है और माल की सप्लाई को रोक देता है। इसके आगे हम देखेंगे कि पुष्पा सारे डीलर्स को एक साथ इकट्ठा करता है और कहता है कि जो फैसला मैंने लिया है वो शायद आप सबको सही ना लगे और आप सब मेरे खिलाफ हो जाए, पर सिंडिकेट का हेड होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरे इस फैसले को आप सबका सहयोग मिले। ऐसा कहकर पुष्पा बताता है कि मुर्गन एक ऐसे गैर धंधे का मालिक है जो लोगों को बिना बताए उनकी जान ले लेता है। लकड़ियों के बदले मिले आधे पैसों को वो इसी धंधे पे खर्च करता है और डबल कमाई करता है। पुष्पा के ऐसा कहने पर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि सर, ऐसे ना जाने कितने गैर कानूनी धंधे चलते हैं यहाँ पर, उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी कमाई से मतलब है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं, पर उन सब की हंसी उनके चेहरे से एकदम से गायब हो जाती है जब पुष्पा कहता है कि जब तुम या तुम्हारा परिवार ही नहीं होगा तो क्या करोगे इन पैसों का। पुष्पा कहता है कि जिन दवाइयों को हम इस उम्मीद से खाते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगी, क्या हो अगर वही दवाई तुम्हारी मौत का कारण बन जाए। इस बात को सुनकर सभी चौकन्ना होकर पुष्पा को सुनने लगते हैं। पुष्पा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबके बीच में आके कहता है कि गांव में जो दवाइयां सप्लाई होती हैं, वो मुर्गन के धंधे में बनी हुई नकली दवाइयां हैं। मुर्गन लकड़ियों से मिले आधे पैसों को इन दवाइयों को बनाने और गैर कानूनी तरीके से सप्लाई करने में खर्च करता है और मासूमों की जिंदगी से खेलकर करोड़ों कमाता है।
पुष्पा की ये बातें सुनकर सब जितना हैरान होते हैं उतना ही उनको गुस्सा भी आ रहा होता है और इस वक्त सबके बीच यह फैसला होता है कि अब से वो मुर्गन को लकड़ियों की सप्लाई नहीं करेंगे और साथ ही इस घिनौने काम के लिए वो मुर्गन को सबक भी सिखाएंगे। माल की सप्लाई न आने पर मुर्गन पुष्पा को कॉल करता है और पुष्पा कहता है कि माल की सप्लाई में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, इसलिए उसे खुद यहाँ आके इस मामले को देखना होगा। पुष्पा बड़ी ही चालाकी से मुर्गन को अपने इलाके में बुला लेता है, पर आखिर क्या है पुष्पा और सारे वर्कर्स का प्लान, जानने के लिए जुड़े रहिए। क्या दक्षायनी और सिखावत मिलाएंगे हाथ? क्या श्रीवल्ली का जीना होगा मुश्किल? अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर पुष्पा राज बनकर हर दर्शक इन दिनों खुद को फ्लावर समझा क्या फायर है, मैं कह रहा है। इस फिल्म की कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसके हर कैरेक्टर के कई रूप दिखने को मिलने वाले हैं। पुष्पा द राइस के रिलीज होते ही सबको मालूम हो गया था कि पुष्पा की कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो जॉली रेड्डी जिंदा है और वो इस वक्त बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बस एक मौके की तलाश है उसे। फिर आते हैं हमारे फेमस एसपी सिखावत जी, जिन्होंने पुष्पा को डराने की कोशिश की और ऑलमोस्ट कामयाब भी हुए, लेकिन एंड में पुष्पा के हाथों अपनी इज्जत का फालूदा बनवाकर अपने आप को अपमानित करवा बैठे। तो अब वो भी तो बदला लेंगे, और सिखावत मौके की तलाश करने वालों में से नहीं है बल्कि मौके बनाने वालों में से है। पुष्पा 2 में सिखावत का सातिर अवतार सारी हदें पार करेगा, ये हमें पता है, लेकिन पुष्पा के दुश्मनों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि शीणों की पत्नी दक्षायनी जी ने भी अपना विलन अवतार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से दक्षायनी ने बिना पल के छपकाए अपने ही पति का गला काटा, इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर बदले की भावना नहीं बल्कि ज्वालामुखी भड़क रही है। लीडी विलन का ऐसा साथी रूप सिनेमा स्क्रीन पर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन दक्षायनी का रोल करने वाली एक्ट्रेस की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, जिन्होंने पुष्पा में स्पॉटलाइट में ना होते हुए भी अपने किरदार को जिंदा रखा। और क्या आप जानते हैं दक्षायनी जैसी वाइल्ड और कनिंग लरी का रोल करने वाली असल में कौन है? फिल्म में दक्षायनी का किरदार साउथ की मशहूर एक्ट्रेस अनसुईया भारद्वाज ने निभाया है। वह फिल्म में जितनी डरावनी है, असल जिंदगी में वह सीरियस, आउटस्पोकन और बोल्ड है। अनसुईया को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए 19 साल हो गए हैं। वह न केवल अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि एक एंकर और होस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। टीवी पर एंकरिंग के अलावा अनसुईया ने फिल्मों में डबिंग और आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। कॉमेडी शो जबरदस्त में अनसुईया की होस्टिंग को काफी सराहा गया था। पुष्पा अनसुईया के करियर की 13वीं फिल्म है, जबकि उसके बाद वह चिरंजीवी और रामचरण के साथ फिल्म आचार्य में भी नजर आएंगी। और फिर पुष्पा 2 में भी अनसुईया हमें दक्षायनी के रूप में नजर आएंगी। वैसे पुष्पा 2 में पुष्पा के खिलाफ खड़े होंगे कई दुश्मन। श्रीनु पहले से ही पुष्पा का दुश्मन था, लेकिन अब उसकी वजह से अपनी पत्नी के हाथों मरते मरते बचने के बाद ये दुश्मनी की भावना और बढ़ गई होगी। साथ ही श्रीनु की पत्नी अपने भाई की मौत का बदला किसी भी हालत में लेगी, ये तो पक्का है। इस वक्त पुष्पा के जो दो दमदार दुश्मन निकल कर आते हैं वो हैं दक्षायनी और एसपी सिखावत। हो सकता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए और दोनों सिखावत और दक्षायनी मिलकर पुष्पा से बदला लें। जब दो दमदार विलन एक साथ खड़ी होंगी तो पुष्पा कैसे करेगा उनका सामना? और चलो मान लें कि पुष्पा दोनों को संभाल भी लेगा, क्योंकि भाई हमारे हीरो ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। लेकिन 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 अगर बात आई श्रीवल्ली यानी कि पुष्पा के प्यार पर तो क्या होगा? क्या पुष्पा जो कभी नहीं झुका वो श्रीवल्ली के लिए झुकेगा और सारे दुश्मनों से लड़ पाएगा?
क्योंकि इस सबसे जिसे सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है वो पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली होगी। और सोचिए, जो औरत अपने भाई का कत्ल होने पर अपने पति पर जानलेवा हमला कर सकती है, वो बदले की आग में असली कातिल के इकलौते प्यार के साथ क्या क्या नहीं कर सकती। तो पुष्पा द रूल की लड़ाई काफी इंटेंस होने वाली है। इस बार जितना दमदार हीरो है उतने ही दमदार विलेंस भी है। तो कैसे करेगा पुष्पा सबका सामना और कैसे बचाएगा श्रीवल्ली को इस जानलेवा जंग से, ये सब जानने के लिए हमें थोड़े इंतजार की जरूरत है और थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। चलिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ब्रिस्मा का जन्म एम्स्टर्डम में एक डच एंटरप्रेन्योर एंटोन ब्रिस्मा और ब्रिटिश हाउसवाइफ के घर हुआ था। क्या उसके पिता डच में सोडा ड्रिंक मैन्युफैक्चरर थे? जब वो हाई स्कूल में था तब उसने हैश या हशीश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो उसे बेचने भी लगा और इसी के चलते 16 साल की उम्र में 1970 में उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद 1974 में उसने ड्रग ट्रेड शुरू करने का फैसला लिया और थी उसकी पार्टनर बनी। अब ये थी कौन है? तो थी डच मोबस्टर और सिंगापुरियन हेरोइन स्मगलर की बेटी थी। क्लास ड्रग्स की परचेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन देखा करता था, वहीं थी फाइनेंस देखा करती थी। 1976 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया लेकिन वो 1977 में छूट गया और उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 3 से 4 बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट किया था और उसके बाद उसने अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और कहां कहां नहीं फैलाया। और देखते ही देखते वो नीदरलैंड का कल्ट हीरो बन गया था। 1979 में जब वो हैश की एक बड़ी सप्लाई पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करवा रहा था तब एक बार फिर से उसे पकड़ लिया गया और 1982 में उसे रिलीज कर दिया गया। 1983 में उसके और उसी के गैंग के बीच एक बहुत बड़ा शूट आउट हुआ क्योंकि जब वो जेल में था तब उसके बिजनेस पर उसी के लोगों की नजरें पड़ी थी और इसी वजह से उसने कई लोगों को मार दिया और उसे 5 सालों की सजा सुनाई गई लेकिन 3 सालों में ही वो रिहा कर दिया गया। साल 1987 में जब वो रिलीज हुआ तब उसने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया और एक नई शुरुआत की। उसने होटल्स, कैसिनोज, गेमिंग ब्रदर्स जैसे कई सारे लेगिटिमेट बिजनेस के फॉर्म में ओपन किए और उनकी आड़ में अपना हैश स्मगलिंग का बिजनेस करता रहा जिसमें थी उसकी पार्टनर रही थी। 1980s के एंड तक क्लास यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडर बन गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त रोज के $5,00,000 जनरेट कर रही थी। 27 जून 1991 के दिन क्लास मैरिटन हुगलैंड जिसे ऑर्गेनाइज क्राइम के पुलिस ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया गया था उसके साथ एक बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उसी के चलते हुगलैंड ने उसे सुबह के 4 बजे एम्स्टर्डम हिल्टन होटल के सामने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। उसकी कोई विल नहीं थी और उसके भाई बहनों ने उसकी प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया इसलिए उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसकी माँ के पास गई तो बाकी की एम्स्टर्डम की टैक्स एंड कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन के पास चली गई। ऐसे ही एक हाई लेवल की स्मगलर की स्टोरी पर ही पुष्पा टू की स्टोरी बेस्ड होने वाली है। किंग पिन मलिक। 2021 के दिसंबर में ईडी ने लाल चंदन की तस्करी से जुड़े एक मामले में किंगपिन बादशाह मलिक को गिरफ्तार किया था जो इंडिया के बहुत बड़ा स्मगलर है। बादशाह मलिक से ईडी की टीम ने 2015 में DRI में दर्ज लाल चंदन की तस्करी के मामले में उससे पूछताछ की थी और इस केस में मलिक एक अहम किस्सा था। ईडी ने इस मामले में पूरे मुंबई में कई जगहों पर तलाशी भी ली थी और उसके बाद मलिक और उसके साथ विजय पुजारी की तलाशी भी ली गई थी। 2015 में DRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट का खुलासा किया था जिसमें लाल चंदन जैसी दुर्लभ और कीमती लकड़ियों को गुड्स कंटेनर में इम्पोर्ट करके देश के बाहर तस्करी की जा रही थी। मुंबई की एक शिपिंग कंपनी के जरिए 78
मेट्रिक टन से भी ज्यादा लाल चंदन की तस्करी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में की जा रही थी। कंटेनरों को DRI टीम ने नावा शावा इंपोर्ट टर्मिनल पर रोका और आगे की जांच के बाद वो मलिक हेगड़े और पुजारी तक पहुंचे। कहा जाता है कि लाल चंदन की तस्करी में बादशाह मलिक एक बहुत बड़ा नाम है। वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर लाल चंदन को सागौन की लकड़ी बताकर गलत तरीके से बेचा करता था और वो रॉयल सीमा के जंगलों से लकड़ी की तस्करी करता है। साथ ही ईडी को मलिक के घर से एक डमी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिस कंपनी के नाम पर वो एक नॉर्मल बिजनेस करता था और उसकी आड़ में लाल चंदन की तस्करी का काला धंधा करता था। और ईडी का मानना है कि इस केस में कई बड़े पॉलिटिशियंस भी जुड़े हैं जो मलिक की मदद करते हैं। लाल चंदन की चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका में काफी कीमत है और ये चंदन सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। काले बाजार में एक टन लाल चंदन की कीमत 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच की होती है और ईडी का मानना है कि मलिक अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मलिक ने लाल चंदन को जापान सप्लाई किया है, क्योंकि लाल चंदन एग्जॉटिक फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है और जापान में सबसे ज्यादा लाल चंदन की डिमांड है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इंटरनेशनल ड्रग कार्टल का नाम भी शामिल है, क्योंकि वही है जो अलग जगहों से सुरक्षित लाल चंदन को बचाकर असली मालिक तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल तो बादशाह मलिक ईडी के कब्जे में है और उसे बहुत जल्द PMLL कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले एजेंसी उसकी कस्टडियल रिमांड चाहती है ताकि वो इस मामले की तय तक पहुंच सके। ये केस तो बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसकी कहानी से मिलते जुलते ही पुष्पा 2 की कहानी हो सकती है। तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपका इस मामले में क्या कहना है। कैसा रहा पुष्पा का सफर? साउथ सुपर स्टार अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज को रिलीज हुए एक साल पूरे हो चुके हैं। इसमें जरा भी शक नहीं कि अल्लू अर्जुन स्टारर ये मूवी हाल के दिनों में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। पुष्पा के राउडी अवतार से लेकर उनके हाव भाव और तौर तरीके तक पुष्पा ने मूवी में जो कुछ भी किया फैंस उसे कॉपी करते दिखे। बच्चों तक पर इस मूवी का खूब क्रेज रहा और अब जब मूवी को एक साल पूरा हो गया है तो कहना गलत नहीं होगा कि निर्माताओं के लिए ये एक शानदार सफर रहा। पुष्पा द राइज के एक साल पूरे होने के साथ मूवी ने एक विरासत बनाई है जो आने वाले समय में और बढ़ेगी। ऐसे में पुष्पा के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर हर एक चीज को उजागर करते हुए एक पोस्ट साझा किया जिसने इसे दर्शकों के बीच एक बड़ी हिट बना दी। खास तौर पर इसका सफर, वो कहती है ना कि जंगल में कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं लगता। ठीक उसी तरह ये मूवी भी एक नेशनल सनसनी बन गई जिसने हर एक स्टार कास्ट को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक दिया। इसके साथ कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर पुष्पा द राइज के एक साल आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज के रूप में स्क्रीन पर आग लगाने के एक साल पूरे हुए। आज पुष्पा द राइज ग्लोबल लेवल पर सिनेमा घरों में छाई हुई है। हाल ही में मूवी का एक प्रीमियर 8 दिसंबर को रूसी बाजार में हुआ और दर्शकों से इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली। ऐसे में जहां पुष्पा द राइज का क्रेज पूरे देश में छा रहा है, वहीं फैंस मूवी से जुड़ी हर एक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टीम पुष्पा द रूल के लिए अभी कमर कस रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक लाल चंदन की स्मगलिंग ट्रेन से करने वाली गैंग के एक मेंबर को रेलवे पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे दिल्ली रेलवे पुलिस रोजाना की तरह आसपास नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग कर रही थी, तब एक पुलिस टीम ने गेट नंबर 1 पहाड़गंज की तरफ एक आदमी को नोटिस किया। उसने नीले रंग का ट्रॉली बैग ले रखा था, लेकिन जिस तरह से वो बार बार वहां चक्कर लगा रहा था वो पुलिस को काफी स्पीशियस लगा। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन वो बात को टालमटोल करता रहा। पुलिस ने उससे उसके बैग के बारे में पूछा तो वो बात को घुमाने लगा। पुलिस को पहले थोड़ा शक था जो अब पक्का हो गया था। उनके बैग की जांच की गई और एक लाल रंग की लकड़ी का लट्ठा मिला। बरामद लकड़ी की पहचान के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को बुलाया गया, जिन्होंने बरामद लकड़ी की पहचान की और बताया कि वो लाल चंदन की लकड़ी है। वो चंदन की लकड़ी को विशाखापट्टनम से दिल्ली लाकर अपनी बाकी की गैंग के साथ इसे दिल्ली में बेचने के लिए जा रहा था।
पूछताछ में आरिफ ने खुलासा किया कि वो अपने साथियों के साथ विशाखापट्टनम से दिल्ली में लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा था और दिल्ली में चंदन बेचने वाले एक गैंग को सप्लाई कर रहा था। उन्होंने लाल चंदन की लकड़ी को ट्रॉली बैग के अंदर छुपाकर ही अब तक यहां स्मगलिंग की है और इस बार उनके लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग के लिए एपी एक्सप्रेस यानी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पकड़ी थी। पूरी गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और बाकी के राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने और इस रैकेट में शामिल सब लोगों को पकड़ने के लिए टीम्स बनाई गई। लाल चंदन रूबी रेड एक हाईली रेगुलेटेड लकड़ी है जो लाल रंग की होती है और जिसमें मेडिकल गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल बाजारों में लाल लकड़ी की भारी मांग है। ये पेड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुरनूल, चित्तूर, तमिलनाडु की सीमा से लगे कडप्पा में फैली शेषाचलम पहाड़ियों में उगते हैं। अंडरग्राउंड मार्केट में इसकी भारी मांग के कारण लाल चंदन के पेड़ों की ज्यादातर स्मगलिंग की जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। स्मगलिंग के प्रोसेस में स्मगलर्स पहले तो पेड़ों के बारे में पता लगाने और उन्हें काटने के लिए लेबर हायर करते हैं। उन्हें मार्केट प्राइस के बेसिस पर 20 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की बीच पेमेंट मिलती है। इसीलिए जहां स्मगलर हर एक टन में लाखों कमाते हैं और आंध्र प्रदेश से चित्तूर, कटप्पा, नेल्लोर और कुरनूल जिलों के रूरल एरियाज में रहने वाले मजदूरों को पेड़ों के काटने के लिए प्रति टन 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की पेमेंट की जाती है। फिर कटी हुई लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने से पहले खेतों में छिपा दिया जाता है। लोकल पुलिस की मिली भगत से आंध्र और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर्स से लाल सेंडर लॉन्ग की स्मगलिंग की जाती है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्मगलर्स कम मात्रा में लाल चंदन की स्मगलिंग करने के लिए कार्स का भी इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने गोदाम या खेतों में जमा करते हैं। कांचीपुरम जिले के ओरगदम से लेकर चेन्नई के रोयापुरम तक फैला इंडस्ट्रियल एरिया स्मगलिंग नेटवर्क के लिए बेस्ट पॉसिबल कवर है। इन एरियाज में बड़े कंटेनर्स, यार्ड्स और गोदामों का यूज स्मगलर लाल चंदन को स्टोर और लोड करने के लिए किया जाता है। स्मगलर्स के कंटेनर मूवमेंट मॉनिटरिंग में परफेक्ट सिस्टम के लूप होल्स को मेंटेन करने के रास्ते खोज रखे हैं। स्मगलर्स फैक्ट्री स्टाफिंग का फायदा उठाते हैं जहां एक्सपोर्ट के लिए कंटेनरों को कस्टम ऑफिशियल्स लोडिंग सोर्सेज के लिए वेरीफाई करते हैं और फिर उसे सील कर दिया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एक बार जब कंटेनर लोग को सील कर दिया जाता है तो कंटेनर को उसके सोर्स से चेन्नई पोर्ट तक ले जाया जाता है जो अक्सर शहर से काफी बाहरी इलाके में होता है और स्मगलर्स इस दूरी में हेरफेर करते हैं। कंटेनर को रास्ते में एक बड़े कंटेनर यार्ड में मोड़ देते हैं। इसके बाद वो सील बंद ताले को छेड़े बिना कंटेनर को लॉक, रोड और दोनों सिरों पर काट देते हैं और कंटेनर को लाल चंदन से भरने के लिए खोलते हैं। लकड़ी ओरिजिनल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के नीचे छिपी होती है और कंटेनर लॉक रोड को गड़बड़ी के ट्रेसेस को दूर करने के लिए फिर से वेल्ड करके पेंट कर दिया जाता है। कंटेनर फिर पोर्ट के लिए आगे बढ़ता है। सैंडलवुड स्मगलिंग के प्रोसेस को कुछ पार्ट तो हम पुष्पा 2 में देख ही चुके हैं और अब पुष्पा 2 में जाहिर है कि पुष्पा को और नई स्ट्रेटजीज के साथ आना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। क्लास ब्रिम्समा का जन्म एम्स्टर्डम में एक डच एंटरप्रेन्योर एंटोन ब्रिम्समा और ब्रिटिश हाउस वाइफ ग्वेंडोलिन थेरेसा मैरी केली के घर हुआ था। क्लास के पिता डच सोडा ड्रिंक मैन्युफैक्चरर थे। जब वो हाई स्कूल में था तब उसने हेश और हशीश का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके बाद वो उसे बेचने भी लगा और इसी के चलते 16 साल की उम्र में 1970 में उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद 1974 में उसे ड्रग ट्रेड शुरू करने का फैसला किया और थिया मोयर उसकी पार्टनर बनी। थिया डच मॉबस्टर और सिंगापुरियन हीरोइन स्मगलर की बेटी थी। क्लास ड्रग्स की परचेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन देखता था और थिया फाइनेंस देखती थी। 1976 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया लेकिन वो 1977 में छूट गया और उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 3-4 बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट किया था और उसके बाद उसने अपने स्मगलिंग ऑपरेशन को जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और स्कैंडिनेविया तक फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो नेदरलैंड्स का कल्ट हीरो बन गया। 1979 में जब वो हेश की एक बड़ी सप्लाई पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट करवा रहा था तब एक बार
फिर उसे पकड़ा गया और 1982 में उसे रिलीज कर दिया गया। 1983 में उसकी और उसी के गैंग के बीच एक बहुत बड़ा शूटआउट हुआ, क्योंकि जब वो जेल में था ना, तब उसके बिजनेस पर उसी के लोगों की नजरें पड़ी थी और इसी वजह से उसने कई लोगों को मार दिया और उसे 5 सालों की सजा सुनाई गई, लेकिन 3 सालों में ही रिहा कर दिया गया। साल 1987 में जब वो रिलीज हुआ, तब उसने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया और एक नई शुरुआत की। उसने होटल्स, कैसीनोज, गेमिंग, ब्रॉथल जैसे कई सारे लेजिटिमेट बिजनेस की फॉर्म में ओपन किए और उनकी आड़ में अपना हेश स्मगलिंग का बिजनेस करता रहा, जिसमें थिया उसकी पार्टनर रही। 1980s के एंड तक ग्लास यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडर बन गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त रोज के $5,00,000 जनरेट कर रही थी। ऐसे ही एक हेड लेवल के स्मगलर की स्टोरी पर ही पुष्पा 2 की स्टोरी फेस होने वाली है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। फ्रैंक का व्यवहार उस गैंगस्टर जॉनसन को ना बहुत पसंद था, लिहाजा उसी ने तो फ्रैंक को जरायम की दुनिया के दाव पेच और पैत्रो से रूबरू करवाया था। एक रोज आपसी झगड़े में ना जॉनसन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन तब तक जो फ्रैंक है वो जुर्म की दुनिया के दाव पेचों को अच्छी तरह से समझ चुका था, लिहाजा जॉनसन के मारे जाने के फौरन बाद ही उसने गैंग के मुखिया की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह से उतर गया और उसकी मुलाकात उस दौर के बड़े बड़े उस्तादों और जरायम की दुनिया के बेताज बादशाहों से होने लगी। देखते ही देखते फ्रैंक ल्यूकस भी अमेरिका के बड़े माफियाओं की लिस्ट में ऐड हो गया। इसी बीच वो नशे की सौदेबाजी में भी हाथ आजमाने लगा और न्यूयॉर्क की गलियों में अपना धंधा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके कदम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे ना कि अब ल्यूकस को उन बिचौलियों से दिक्कत होने लगी थी जो इलाके में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। लिहाजा फ्रैंक ने एक नई तरकीब निकाली और उन बिचौलियों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही ड्रग्स की सप्लाई अपने हाथ में लेने के लिए मैदान में उतर गया। इसके पीछे उसका इरादा यही था कि बिचौलियों की बेवजह की कमीशन खोरी को तो वो बचा ही लेगा, साथ ही उनके रुतबे को भी खत्म कर देगा। उसने एक एक करके तमाम बिचौलियों का काम तमाम करवाना शुरू कर दिया। उसके इस काम में सबसे ज्यादा मदद की बेईमान पुलिस वाले ने, जो फ्रैंक ल्यूकस का अच्छा दोस्त भी था और साथ ही घुसखोर भी। देखते ही देखते न्यूयॉर्क में अब कदम कदम पर ना नशे के सौदागरों की लाशें मिलनी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस के लिए किसी हद तक ना सिरदर्द कम होने जैसी बात थी, लेकिन पुलिस को लगने लगा था कि असल में इसके पीछे ना बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है। ये वही दौर था जब अमेरिका की पुलिस को फ्रैंक ल्यूकस के इरादों की कोई भी भनक नहीं लग रही थी और ना ही ल्यूकस की कोई तस्वीर थी उनके रिकॉर्ड में मौजूद, जिससे उस पर किसी पुलिस अधिकारी का शक भी नहीं जा रहा था। रफ्ता रफ्ता फ्रैंक ल्यूकस ने न्यूयॉर्क में ड्रग्स का सारा धंधा अपने हाथों में ले लिया और न्यूयॉर्क के साथ साथ उसके आसपास के तमाम शहरों में भी जुर्म की दुनिया में फ्रैंक ल्यूकस के नाम का सिक्का चलने लगा। हम जानते हैं आपको भी ल्यूकस की कहानी कुछ कुछ ना पुष्पा से मिलती दिख रही होगी, पर इस कहानी में आएगा एक ऐसा मोड़ जो पुष्पा 2 की कहानी में भी देखने को मिल सकता है। अब वो मोड़ क्या होगा, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मैं पूर्णिमा लेती हूँ अब आप सभी से अलविदा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। फ्रैंक का व्यवहार उस गैंगस्टर जॉनसन को बहुत पसंद था, लिहाजा उसी ने फ्रैंक को क्राइम की दुनिया के दांव पेच और पैत्रो से रूबरू करवाया था। एक रोज आपसी झगड़े में जॉनसन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन तब तक फ्रैंक जुर्म की दुनिया के दांव पेच को अच्छी तरीके से समझ चुका था। लिहाजा जॉनसन के मारे जाने के फौरन बाद ही उसने गैंग के मुखिया की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, अब वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरीके से उतर चुका था और उसकी मुलाकात उस दौर के बड़े बड़े उस्तादों और क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाहों से होने लगी थी। और देखते ही देखते फ्रैंक ल्यूकस भी अमेरिका के बड़े माफिया की फहरिस्त का हिस्सा बन गया।
इसी बीच उसने नशे की सौदेबाजी में हाथ आजमाने का सोचा और न्यूयॉर्क की गलियों में अपना धंधा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके कदम इतनी तेजी से आगे बढ़े कि अब लुकस को उन बिचौलियों से भी दिक्कत होने लगी जो कि उस इलाके में ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। लिहाजा फ्रैंक ने एक नई तरकीब निकाली और उन बिचौलियों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही ड्रग सप्लाई अपने हाथ में लेने के लिए मैदान में उतर गया। दोस्तों, इसके पीछे उसका इरादा यही था कि बिचौलियों की बेवजह की कमीशन खोरी को तो वो बचा ही लेगा और साथ ही साथ उनके रुतबे को भी खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लिहाजा उसने एक एक करके तमाम बिचौलियों का काम तमाम करवाना शुरू कर दिया। उसके इस काम में सबसे ज्यादा मदद की उसकी एक बेईमान पुलिस वाले ने जो कि फ्रैंक लुकस का अच्छा दोस्त भी था और साथ ही साथ घूसखोर भी था। देखते ही देखते न्यूयॉर्क में अब कदम कदम पर नशे के सौदेकारों की लाशें मिलने शुरू हो गई। हालांकि पुलिस के लिए किसी हद तक ये सिरदर्द कम होने जैसी बात थी, लेकिन पुलिस को लगने लगा कि असल में इसके पीछे बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है। ये वही दौर था जब अमेरिका की पुलिस को फ्रैंक लुकस के इरादों का कोई भी भनक नहीं था और न ही लुकस की कोई तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद थी जिससे कि उस पर किसी पुलिस अधिकारी का शक तक जा सके। उन पर शक भी नहीं कर पा रहे थे। रास्ता रास्ता फ्रैंक लुकस ने न्यूयॉर्क में ड्रग्स का सारा धंधा अपने हाथ में ले लिया और न्यूयॉर्क के साथ साथ उसके आसपास के तमाम शहरों में जुर्म की दुनिया में फ्रैंक लुकस के नाम का सिक्का चलने लगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको लुकस की ये कहानी कुछ कुछ पुष्पा से मिलती हुई दिख रही होगी, पर इस कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ भी आएगा जो कि पुष्पा 2 की कहानी में देखने को मिल सकता है। कौन है किंग पिन मलिक? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्पीहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 के बारे में। 2021 के दिसंबर में ईडी ने लाल चंदन की तस्करी से जुड़े एक मामले में किंग पिन बादशाह मलिक को गिरफ्तार किया था जो इंडिया के एक बहुत बड़ा स्मगलर है। बादशाह मलिक से ईडी की टीम ने 2015 में DRI में दर्ज लाल चंदन की तस्करी के मामले में उससे पूछताछ की थी और इस केस में मलिक एक अहम किस्सा था। ईडी ने इस मामले में पूरे मुंबई में कई जगहों पर तलाशी भी ली थी और उसके बाद मलिक और उसके साथी विजय पुजारी की तलाशी भी ली गई थी। 2015 में DRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट का खुलासा किया था जिसमें लाल चंदन जैसी दुर्लभ और कीमती लकड़ियों का गुड्स कंटेनरों में इंपोर्ट करके देश के बाहर तस्करी की जा रही थी। मुंबई की एक शिपिंग कंपनी के जरिए 7,800 मीट्रिक टन से भी ज्यादा के लाल चंदन की तस्करी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में की जा रही थी। कंटेनरों को DRI टीम ने नवाशवा इंपोर्ट टर्मिनल पर रोका और आगे की जांच के बाद वो मलिक, हेगड़े और पुजारी तक पहुंचे। कहा जाता है कि लाल चंदन की तस्करी में बादशाह मलिक एक बहुत बड़ा नाम है। वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर लाल चंदन को सागौन की लकड़ी बताकर गलत तरीके से बेचा करता था और वो रॉयलसीमा के जंगलों से लकड़ी की तस्करी करता था। साथ ही ईडी को मलिक के घर से एक डमी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसे कंपनी के नाम पर वो एक नॉर्मल बिजनेस करता था और उसकी आड़ में लाल चंदन की तस्करी का काला धंधा करता था। फिलहाल तो बादशाह मलिक ईडी के कब्जे में है और उसे बहुत जल्द PMLL कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले एजेंसी उसकी कस्टोडियल रिमांड चाहती है ताकि वो इस मामले की तह तक पहुंच सके। ये केस तो बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसकी कहानी से मिलती जुलती ही पुष्पा 2 की कहानी हो सकती है। दोस्तों, एक आदमी अपने घर के खुले हुए गेट से झांक रहा था ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई जासूस तो नहीं है। क्या एक पेड़ की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है? और वो मन ही मन खुद से ही फुसफुसाया क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए कहीं कोई नहीं था। बाहर लोग गंदगी वाली गलियों में घूम रहे थे और दोपहर की हवा उबलते चावल की स्मेल से भरी थी। दोस्तों, देवरा कोंडा आंध्र प्रदेश का गांव पहले बाकी और गांव की तरह लग रहा था, लेकिन इसके रूरल एरियाज के अनहोनी काम ही ऐसे थे
जब से राज्य पुलिस ने 7 अप्रैल को 20 लाल चंदन स्मगलर्स को उसके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शुरू होने वाले घने जंगल में मार दिया था, तब से देवराकोंडा में साइलेंस और डर का माहौल छा गया था। दोस्तों, गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अब उनके पालतू जानवर जैसे गाय भैंसों को वापस लाने और बोरवेल यानी गहरा कुआं जिसे जमीन में ड्रिल किया गया है उसको चालू करने के लिए रात में बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि कब पुलिस आएगी और उन्हें स्मगलिंग के लिए उठाकर ले जाएगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की स्मगलिंग हाल ही में नेशनल हेडलाइंस में नजर आई है, लेकिन सालों से देवराकोंडा और शेषांचलम जंगल के आसपास के दर्जनों बाकी के गांव जो दुनिया से लाल चंदन के प्राइमरी सोर्स हैं, चीन और जापान के वेल्दी खरीददारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, बेहद प्रॉफिटेबल ट्रेड से कनेक्टेड थे। चीन और जापान वो देश हैं जो पेड़ के गहरे रंग की महत्व को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इस लाल चंदन की लकड़ी के पैसे को इलेक्शंस में यूज किया गया, ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए किया गया और हजारों लोकल लोगों को लकड़हारे या लो लेवल मिडिल मैन के रूप में भर्ती किया गया। लेकिन दोस्तों, 7 अप्रैल को हुए एनकाउंटर्स को फेक एनकाउंटर बताया गया है, जिससे लोगों को डर और भी ज्यादा लग रहा है। दोस्तों, अगर गांव वालों से पूछा जाए कि ये स्मगलर्स कौन है तो उनका कहना है कि वो सब लोग स्मगलर्स हैं। वहां के 99.9% लोग इस धंधे में शामिल थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और पुलिस सिर्फ किसानों के पीछे जाती है और बड़े लोगों को अकेला छोड़ देती है, तो ये आखिर कैसा जस्टिस है। तो दोस्तों, इसी तरह पुष्पा फिल्म जो टोटली लाल चंदन की स्मगलिंग के आगे पीछे घूमती है, हो सकता है कि पुष्पा 2 में हमें एनकाउंटर के बाद लोगों के डर को देखने और महसूस करने का इस दौरान मौका भी मिल जाए। आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। 7 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश पुलिस ने भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के शेषचलम जंगल में 20 लकड़हारों जो कि सस्पेक्टेड स्मगलर्स थे उनको गोली मार दी। इस पर रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स के DIG कांता राव ने कहा कि स्मगलर्स ने टीम पर रॉड और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया था और जब पुलिस से पूछा गया कि क्या इतनी जाने इस तरह लिए बिना इस हमले को रोका जा सकता था, तो राव ने कहा था कि पुलिस ने उन्हें कई वार्निंग्स दी लेकिन फिर भी उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया और वो लोग 100 से भी ज्यादा थे। ये इंसिडेंट चित्तौड़ के चंद्रगिरी मंडल के शेषचलम फॉरेस्ट एरिया में ईटागुंटू में 2 लोकेशंस पर हुआ था। ईटागुंटू में 9 मजदूरों की मौत हो गई, वानचिंदो वांदा में 11 की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने बताया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बड़ी संख्या में स्मगलर्स जंगल में घूम रहे हैं। रेड सैंडर्स टास्क फोर्स टीमों ने 2 लोकेशंस पर हमला किया। टास्क फोर्स में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और आर्म पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। कहा जाता है कि चित्तौड़ जिले के एक लाल चंदन स्मगलर ने लगभग 500 कुली को हायर किया था जो उस वक्त उन पेड़ों की कटाई कर रहे थे जब पुलिस ने उन पर गोली चलाई थी। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया NHRC के सामने दिए गए 2 गवाहों के बयान में कहा गया था कि आंध्र के पुलिस कर्मियों द्वारा मारे गए लोगों में से कम 12 लोगों को उन्होंने एक बस से खींचा था और एक कॉन्ट्रोवर्शियल एनकाउंटर होने से कुछ घंटे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहां पुलिस और विटनेस दोनों के बयान एकदम ऑपोजिट निकले। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने अदालत में जो केस डायरी पेश की उससे डिसअपॉइंटेड होते हुए इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने का आदेश दिया और SIT को 60 दिनों में अपनी जांच पूरी करने और अदालत को एक रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर दिया गया। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में ह्यूमन राइट वायोलेशन की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की मांग की, क्योंकि उनमें से कई लोग तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर जिले में से थे। हालांकि ये पॉसिबल है कि ये सब लोग किसी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन में इस तरह की बड़ी घटना चिंता पैदा करती है कि क्या आंध्र प्रदेश टास्क फोर्स के ऑफिसर्स ने संयम के साथ काम किया या नहीं। 20 लोगों के एनकाउंटर जो कि पुलिस के किए मर्डर साबित हुए,
इस खबर ने तमिलनाडु में खलबली मचा दी। जैसे कि हम जानते ही हैं, पुष्पा फिल्म में भी पुष्पा और पुलिस ऑफिसर की अनबन चल रही होती है, तो हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी हमें इस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कोई सीन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। एक गैंग जिनके दिमाग में प्लान्स ऑलरेडी रेडी थे, टारगेट सेट था, बस मौके की तलाश थी। एक ने आसपास की जगह तलाश की और कहां से लकड़ी आसानी से चुराई जा सकती है ये सब तय किया। जब लोकेशन और टारगेट फाइनली सेट हो गया, तब 1 अगस्त को उन लोगों ने गोल्फ क्लब की तरफ कदम बढ़ाए। उस दोपहर को बहुत तेज बारिश हो रही थी और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में थे और बारिश इतनी तेज थी कि अंदर बैठे किसी को भी बाहर की कोई आवाज आसानी से सुनाई नहीं देने वाली थी। इसी बात का फायदा इन स्मगलर्स ने उठाया। वो गोल्फ क्लब के चारों ओर लगे बैरियर्स को हटाकर अंदर गए और वहीं से पूरा 1 लाल चंदन का पेड़ काट कर ले आए। 1 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच स्मगलर्स ने उस पेड़ को काटा और फिर उसे उठाकर ले गए। फिर कुछ ही दिनों में इसी गैंग ने सीवी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला बोल दिया। लेजेंडरी चंदन स्मगलर वीरप्पन को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े पैमाने पर चंदन की स्मगलिंग को खत्म करना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। चंदन के एक्सपोर्ट पर बैन और स्मगलिंग को रोकने के लिए बाकी रोक लगने के बाद इन लोगों ने अपनी स्मगलिंग स्ट्रैटेजी बदल ली और एक्सपोर्ट करने के पैंतरे और अपग्रेड कर लिए, जिसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। पुलिस ने शुरू में 4 लोगों, गोविंदा, मधु, वेंकटेश और रामचंद्र को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने गोल्फ क्लब से चंदन के पेड़ को काट कर फिर स्मगलिंग की थी। उन्होंने 2 टीमों में ये काम किया था। चंदन के पेड़ों को खोजने का काम रामचंद्र को सौंपा गया था और बाद में बाकी के 3 मौके पर पहुंचे और आधी रात तक वहीं रहे। पुलिस रामचंद्रप्पा और भरत राजू को गिरफ्तार करने में कामयाब रही और उनके पास 110 किलो चंदन की लकड़ी भी जब्त की गई। पुलिस को पता चला कि चंदन की लकड़ी को आगे आंध्र प्रदेश के मदकसीरा के पास एक फ्रेग्रेंस फैक्ट्री को बेच दिया था। पुलिस ने फैक्ट्री प्रमाइस में छापा मारा और 620 किलो चंदन और 147 किलो चंदन का तेल और एक वेइंग मशीन जब्त की और इसके साथ साथ फैक्ट्री का इंचार्ज नान जयगोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि शहर में दर्ज चंदन की चोरी के 10 मामलों को स्मगलर्स के अरेस्ट के साथ सुलझा लिया गया है। गैंग ने हाई ग्राउंड्स, सदाशिव नगर, मडीवाला, जयनगर, के आर पुरम फॉरेस्ट एरिया, अनेकल फॉरेस्ट एरिया, तुरहल्ली और ज्ञान भारती से चंदन की लकड़ी चुराई थी। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। बाकी के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, तो पुष्पा 2 में भी हमें ऐसे ही चंदन की लकड़ी की चोरी के इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आपको कैसी लगी ये फैक्चुअल कहानी? अभी अपने घर के खुले हुए गेट से झांक रहा था ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई जासूस तो नहीं है। क्या एक पेड़ की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है? और वो मन ही मन खुद से ही फुसफुसाया क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए कोई नहीं था। बाहर लोग गंदगी वाली गलियों में घूम रहे थे और दोपहर की हवा उबलते चावल की तरह स्मेल से भरी थी। देवरकोंडा आंध्र प्रदेश का गांव पहले बाकी और गांव की तरह लग रहा था, लेकिन इसके रूरल एरियाज के अनहोनी कम ही नहीं होती थी। लेकिन जब से राज्य पुलिस ने 7 अप्रैल को 20 लाल चंदन स्मगलर्स को उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शुरू होने वाले घने जंगल में मार दिया था, तब से देवरकोंडा में साइलेंस और डर का माहौल छा गया था। आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की स्मगलिंग हाल ही में नेशनल हेडलाइंस में नजर आई है, लेकिन सालों से देवरकोंडा और शेष चलम जंगल के आसपास के दर्जनों बाकी के गांव, जो दुनिया में लाल चंदन के प्राइमरी सोर्स हैं, चीन और जापान के वेल्दी खरीदारों द्वारा चलाए जा रहे बेहद प्रॉफिटेबल ट्रेड से कनेक्टेड थे। चीन और जापान वो देश हैं जो पेड़ के गहरे रंग को महत्व देते हैं और इस लाल चंदन की लकड़ी के पैसे को इलेक्शंस में यूज किया गया, ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए किया गया और हजारों लोकल लोगों को लकड़हारे या लो लेवल मिडिलमैन के रूप में भर्ती कराया गया। लेकिन 7 अप्रैल को हुए एनकाउंटर्स को फेक एनकाउंटर बताया गया, जिससे लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। और अगर गांव वालों से पूछा जाए कि स्मगलर्स कौन हैं, तो उनका कहना है कि वो सब लोग स्मगलर्स हैं। फॉर्मर फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि अब एंटी वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग ग्रुप के हेड हैं,
उनका कहना है कि स्मगलिंग को चलते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन 2005 के बाद से इनका स्मगलिंग पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अभी थोड़ा डर्टी और कई बार काफी वायलेंट हो गए हैं और इनमें से कुछ बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होने लगे हैं। जहां चंदन स्मगलर वीरप्पन ने जंगल के अंदर से अपने साम्राज्य पर शासन किया, लाल चंदन के स्मगलर ने अब ज्यादा फ्रेंचाइज अप्रोच को अपनाया है, जिसमें सबसे नीचे लकड़हारे होते हैं, उसके बाद लोकल मिडिलमैन होते हैं जो जंगल से कटाई और ट्रांसपोर्ट की देखरेख करते हैं, और फिर बड़े लोग जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजते हैं। एक इंटरनेशनल स्मगलर के ऑर्डर के बाद एक लोकल मिडिलमैन लकड़हारों की एक टीम को जंगल से भेजता है ताकि जितनी लकड़ियां चाहिए वो वक्त पर लाई जा सके। दोस्तों, पुष्पा फिल्म जो टोटली लाल चंदन की स्मगलिंग के पीछे घूमती है, हो सकता है पुष्पा 2 में भी हमें एनकाउंटर के बाद लोगों के डर को देखने और महसूस करने का मौका मिले। पायल जिम्बादा गार्सिया, जिसका जन्म अलामो नाम की कम्युनिटी जो मैक्सिको के कुलियाकान के कैपिटल सिनालुआ में 1948 में हुआ था, जो पहले से ही एक एम्बिशियस क्रिमिनल था, जो पहले तो एक फार्मर था, लेकिन फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में ही इसने ड्रग डील करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब माइगुअल एंजल फेलिक्स गिलार्डो, जिन्हें एल पेड्रिनो या ड्रग्स का गॉडफादर भी कहा जाता है, वो पकड़ा गया तो सब कुछ बदल गया। ये लॉ के लिए तो एक बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन गॉडफादर के पकड़े जाने के बाद उसके पीछे छोटे मोटे सारे ड्रग कार्टल्स के बीच वॉर स्टार्ट हो गई थी। कुछ कार्टल्स का नाम और निशान मिटा तो कई बड़े हुए, जिनमें से एक था सिनालो कार्टल, जिसे स्माइल जिम्बादा गार्सिया या एल मायो या एल कापो ने स्टैब्लिश किया था। वो 90s का सबसे पावरफुल ड्रग कार्टल बन गया था और इसने मारिजुआना, कोकेन, हीरोइन जैसे कई सारे ड्रग्स को यूएस तक इलीगल तरीके से पहुंचाना शुरू कर दिया था। और फिनिक्स, लॉस एंजलिस, डेनवर, अटलांटा और शिकागो जैसे सिटीज में वो फैल गया था। उसने ड्रग्स को यूएस पहुंचाने के लिए ट्रक्स, सबमरीन्स और एरियल ट्रांसपोर्टेशन और टनल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था। बता दें कि सिनालुआ कार्टल ने काफी अच्छे तरीके से अंडरवर्ल्ड में अपनी पॉश स्टैब्लिश करना शुरू किया और खास करके स्मेल की स्किल्स की वजह से उसने कई सारे अलायंसेस भी बना लिए थे और ग्वाडालाजारा कार्टल के मेंबर से भी उसने दोस्ती कर ली थी। दोनों ही कार्टल से एक जैसे थे, रुथलेस, ब्रूटल और केयरलेस। स्माइल की वाइफ ने कहा था कि 1992 से लेकर 2000 तक काफी सेंसलेस वॉर्स हुई, जिसमें कई सारी फैमिलीज ने अपने आप को खोया और इसी समय स्माइल जिम्बादा एक रुथलेस ड्रग माफिया बना। और यूएस अथॉरिटीज का कहना था कि लेट 90s के दौरान वो इतना ज्यादा स्ट्रांग ड्रग लीडर बन गया था कि वो मल्टी टन क्वांटिटीज में कोकेन और मारिजुआना का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता था। और जब वो FBI के निशाने पर आया तब वो 2003 में गायब हो गया। और ताजुब की बात यह है दोस्तों कि वो आज तक पकड़ा भी नहीं गया है, जबकि उसका साथी अल कापो अरेस्ट हो चुका है। और यूएस गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अनाउंसमेंट की गई थी कि जो स्माइल जिम्बादा की इन्फॉर्मेशन देगा उसे $5 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और आज कहा जाता है कि सिनालो कार्टल दिन भर दिन स्ट्रांग बनता जा रहा है और उसकी वर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं स्माइल आज भी इस पर राज कर रहा है, जिसे मैक्सिकन गवर्नमेंट ने हिटमैन का नाम दिया है। ये एक लार्जर देन लाइफ ड्रग लॉर्ड की कहानी है, जिसकी कहानी से इंस्पायर होकर पुष्पा पार्ट 2 भी बनाई जा सकती है, जिसमें पुष्पा के किरदार को भी इसी तरह से लार्जर देन लाइफ बनाया जाएगा। तो क्या आपको इस मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के बारे में पता था? दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हॉलीवुड फॉरेस्ट में हुआ मर्डर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जंगल में रहने वाले लोग 25,000 रूपए या हर पेड़ के लिए एक मोबाइल फोन के लिए स्मगलर्स की मदद करते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि बॉर्डर पार करने के बाद यही पेड़ लाखों रुपए में बिकते हैं। लकड़ी को तमिलनाडु की सीक्रेट फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां उन्हें इनकी इंटरनेशनल जर्नी के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है। पलापेटी के पास एक पहाड़ी पर स्मगलिंग की लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है। ये मरियूर से पलापेटी तक एक हार्ड रास्ता है। वरंथुरा चंदन रिजर्व तक एक गाड़ी के चलाने लायक सड़क है। पलापेटी 5 किलोमीटर दूर गहरे जंगल में बसा है। मरियूर में स्मगलिंग के अलावा और भी क्राइम होते हैं। हाल ही में कस्बे में एक मास्कलेस आदमी को चैलेंज करने पर एक पुलिसकर्मी पर हमला किया गया था। मरियूर में अक्सर फॉरेस्ट ऑफिसर की बुराई होती है। ऑफिसर जीजू कुरियन और उनकी पेट्रोल टीम पर हमला किया गया था, जब उन्होंने 2002 में शिकारियों के एक समूह को एक पेड़ काटने से रोकने की कोशिश की। उसी दिन उन पर हमला किया गया था जब वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर लौट रहे थे, और हमले की वजह से ड्यूटी पर लौटने से पहले उन ऑफिसर्स ने इलाज में महीनों बिताए। और बस यही नहीं, जब्त की गई चंदन की लकड़ी को दोबारा हासिल करने के लिए स्मगलर्स ने फॉरेस्ट स्टेशन पर भी अटैक किए। मरियूर के चंदन के जंगल में खून की गंध महक रही है। छल कपट, बेट्रायल और
वॉयलेंस के जाल में फंसा एक स्कैंडर्ड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड चंदन के पेड़ों को काटने के लिए मणिकंदन को जुलाई की शुरुआत में फॉरेस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार किया। जेल के रास्ते में मणिकंदन को इन्फॉर्मेंट्स को मौत की वार्निंग देते हुए सुना गया और जैसे ही उसे छोड़ा गया, मणिकंदन और गैंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए टेम्परेरी वॉचमैन के रूप में काम करने वाले अपने पड़ोसियों को बदला लेने के लिए उनकी कॉलोनी में चले गए। तीनों ने उन लोगों में वॉचमैन की तलाश की जो जंगली जानवरों को बचाने के लिए अपने खेत में रात को पहरे दे रहा था। नशे में धुत अटैकर्स अपने टारगेट को न मिलने पर इतने गुस्से में आए कि वो जल्द ही उन औरतों की ओर मुड़ गए जो फार्म में रात गुजार रही थी। कलियप्पन ने चंद्रिका की गर्दन पर बंदूक तान दी और इसके बाद उसने उसे गोली मार दी। उसने भागने की कोशिश की लेकिन और लोगों ने उसे वहीं दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे एक पेड़ से बांध दिया। बाद में मणिकंदन और माधवन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मणिकंदन के घर से 3 हाथी दांत भी बरामद किए। उसके पिता कुप्पन भी कई मामलों में आरोपी हैं। दोनों पर शेखर एक साथी जो बाद में फॉरेस्ट वॉचर निकला उस पर हमला करने का आरोप भी है, क्योंकि उन्हें लगा कि शेखर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो चंदन की खुशबू में कैसे खून की गंध मिक्स होती है, ये कहानी हमें पुष्पा 2 में भी देखने को मिल सकती है। मरियो टाउन की सैंडलवुड स्मगलिंग की कहानी की ये शुरुआत है और इससे आगे की कहानी सुनने को मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्रीज हुई बंद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन दहिया आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। चंदन की कीमतों में लगातार इंक्रीमेंट का एक क्लियर रीजन ये था कि कन्नौज ने यूएसपी ट्रेडिशनल इत्र इंडस्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया था। 1970s एक पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में बेचे जाने वाले टॉप क्वालिटी के सैंडलवुड तेल से बने इत्र से बेकार क्वालिटी वाले तेल के ये धूप और फ्लेवरिंग पान मसाला बनाने में चला गया। जब तेल की कीमतें बढ़ी तो पर्सनल फ्रेग्रेंस के लिए बना इत्र और महंगा हो गया था। पहले से ही मॉडर्न परफ्यूम की और सबका प्रेफरेंस बदल रहा था। 1980 के शुरुआत तक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बदल गए जो पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, लेकिन इत्र मैन्युफैक्चर को पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री की प्राइस के हिसाब से चलना था। इसीलिए उन्होंने सैंडलवुड ऑयल की जगह लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सैनी कहते हैं एक गुटखा का पैकेट का प्राइस शुरू से लेके अब तक इतना कम क्यों है? इत्र मैन्युफैक्चर के चंदन के तेल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ रास्ता खोजना पड़ा। आज कन्नौज में मैन्युफैक्चर्ड सारे इत्र का 90-95% पान मसाला और तंबाकू फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है और सभी इत्रों में से लगभग 10-15% मेनली चंदन के तेल का यूज करते हैं, क्योंकि इत्र के मुख्य कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स के रिटेल प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं चाहते हैं। पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में प्रोडक्ट 5% इत्र में से लगभग सभी को सऊदी अरब जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इत्र पर प्रदीप कपूर का कहना है कि अब ये कहना गलत नहीं हो सकता कि एक पूरी जनरेशन को ये नहीं पता कि असली चंदन के तेल से बने इत्र का असल में कैसा स्मेल होता है। प्रदीप कपूर भी उसी परिवार से रिलेटेड है जिसने कन्नौज में पहला डिस्टिलेशन और परफ्यूम फैक्ट्री शुरू की थी। उनकी फैमिली फर्म जगत अरोमा चंदन के डिस्टिल्ड बिजनेस से बाहर चली गई और अब लैनकॉम, टॉम फोर्ड और जी ऐसे 4 परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्रेग्रेंस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती है। जब तक ऑस्ट्रेलिया सैंडलवुड एक्सपोर्ट बाजार में एक बड़ा प्लेयर था। हालांकि इससे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को दुनिया में सबसे वैल्यूएबल लकड़ी की पुनर्जन्म और सस्टेनेबिलिटी एंश्योर करने के लिए 1929 में सैंडलवुड एक्ट बनाने और लागू करने से ही रोक पाया और उस एक्ट में लिखा गया कि सैंडलवुड का 1% ही हर साल हार्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा और हर पेड़ की कटाई के लिए 1 दर्जन के बीज को उगाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट वैरायटीज के लगभग 20,000 हेक्टेयर के सैंडलवुड के पेड़ उगाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर बागान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कमीशन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑन वाले सैंडलवुड रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वो दुनिया में चंदन के रिसोर्सेज का सबसे बड़ा सप्लायर होने का दावा करता है। ये उम्मीद की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया अगले 3-7 सालों में भारत में इंडियन वैरायटी के सैंडलवुड तेल का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। प्रदीप कपूर ने ये कहा कि वास्तव में एक शर्म की बात है कि हम एक ऐसे एरिया को बर्बाद करने में कामयाब रहे हैं जहां हमने डोमिनेंस का आनंद लिया था। तो सैंडलवुड की स्मगलिंग ने इसके ऑयल बनाने के बिजनेस में भी खलल डाल दी थी। इसी तरह हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी हमें एक बार सिर्फ सैंडलवुड स्मगलिंग नहीं बल्कि
इसके और भी यूजेस और बिजनेस देखने को मिले। क्या पुष्पा 2 से बाहर हुए फहाद फाजिल क्या नहीं करेंगे अल्लू अर्जुन के साथ काम? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट सबको दीवाना बना रही है। वैसे अल्लू अर्जुन और रश्मिका के फैंस तो उनकी हर एक अपडेट के लिए तैयार रहते ही हैं। पर अभी की जो अपडेट है ना, वो फिल्म के विलेन के बारे में है। पुष्पा द राइज फिल्म के एंटागनिस्ट यानी SP भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाया था एक्टर फहाद फासिल ने। इनसे जुड़ी ये खबर है दोस्तों कि वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते। तो क्या ये सच है? तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दरअसल पुष्पा 2 फिल्म के लिए काफी डिले हो रहा है और फहाद ने भी कुछ मलयालम प्रोजेक्ट साइन कर लिए हैं, इसीलिए वो इस फिल्म से बाहर होना चाहते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेकर्स ने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया है, बल्कि कमिटमेंट के मुताबिक उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी उनके जो कुछ भी मलयालम प्रोजेक्ट्स है ना, उसे उन्हें होल्ड पर रखना पड़ेगा। फहाद के प्रोजेक्ट्स में शामिल है सुदीश शंकर की फिल्म हनुमान गियर, अल्ताफ सलीम की फिल्म रोम कॉम ओडुम कुथीरा चाडुम कुथीरा और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, वैसे हनुमान गियर फिल्म की शूटिंग पुष्पा 2 की शूटिंग के बाद ही शुरू होगी, यानी कि फहाद की अब मार्च से अप्रैल 2023 के दौरान या उसके बाद ही मलयालम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जब तक वो पुष्पा 2 की शूटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं करते। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका ये एंटागनिस्ट पुष्पा को सताने के लिए ना जरूर आने वाला है। तो फिकर नॉट। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जाते जाते जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जाते जाते ना इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूथलेस और स्टाइलिश इटालियन माफिया। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। माटेओ मेसिना देनारो, जिसे डायबॉलिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेविल, ये एक ऐसा इंसान जो कि किसी को भी मार सकता है और वो किसी को भी कानून को नहीं मानता था, क्योंकि उसका अपना ही एक अलग कानून था जो ये था कि दुनिया पर राज करो और उसके आगे जो आए उसे हमेशा के लिए चुप कर दो। नवंबर 1998 में उसके पिता की मौत के बाद माटेओ कास्टेलवेट्रानो और उसके आसपास के सभी एरियाज का लीडर मेंडा मेंटो बन गया, जबकि विंसेजो वर्गा ने ट्रेपानी क्लैन और उसके आसपास के एरिया पर शासन किया। 2001 में वीरगा की गिरफ्तारी के बाद मेसिना डेनारो ने ट्रेपानी क्लैन को संभाला और वहां का नया माफिया लीडर बन गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 लोगों की कमान संभालता था और ट्रेपानी में 20 माफिया परिवारों को एक कमीशन था जो कोसा नेस्ट्रा के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता था। ट्रेपानी माफिया को कोसा नेस्ट्रा का जोकोलो ड्यूरो माना जाता है, यानी एक ऐसा अहम शहर जो दो क्लैंस के बीचों बीच होता है, और वहां पर मेसिना डेनारो और उसके परिवार का राज था। मेसिना डेनारो को एक एक्सटेंसिव एक्सटोर्शन रैकेट से अपना पैसा मिलता है, जिसमें से वो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पब्लिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने के लिए मजबूर करता था, और जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें वो मारकर उनकी जमीन पर अपना नाम कर लेता था। मेसिना डेनारो का मानना है कि उन सभी लोगों और परिवारों को अपने पास रखना चाहिए जो उसे अपना मकसद पूरा करने के रास्ते में साथ दें, लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि वक्त आने पर उसे सबको अपनी जगह भी दिखानी चाहिए अगर कोई ज्यादा होशियार बनता दिखाई दे। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार 1994 और 1996 के बीच मेसिना डेनारो अपनी लवर मारिया मेसी के साथ एस्प्रा और बघेरिया के बीच एक जगह छुपा हुआ था और वो माटेओ क्राकोलिसी के झूठे नाम के साथ ग्रीस में छुट्टियां मनाने गया था। 1995 में मेसिना डेनारो, जिसकी तब तक फ्रांसिस्का अलगना के साथ पिछले रिश्ते में एक बेटी भी थी जो अपनी माँ के साथ रहने चली गई, इन्वेस्टिगेटर्स को मिले एक लेटर में मेसिना डेनारो ने खुलासा किया कि वो इस छोटी बेटी से कभी नहीं मिले थे। उसके बाद साल 2000 में मारिया मेसी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे लव लेटर्स मिले थे जो मेसिना डेनारो से ताल्लुक रखते थे। अगले साल यानी 2001 में उसे अपने भाई फ्रांसिस्को के साथ मदद करने और उकसाने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में जुलाई 2006 में इन्वेस्टिगेटर्स को फिलिपो
गुट्टा डोरो। इसके घर पर मारिया मेसी को और भी लव लेटर्स मिले जिसमें मेसिना डेनारो का नाम शामिल था, जिसके बाद मेसिना डोनारो को 1993 में हुए बम अटैकर्स में हिस्सेदारी की वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो जेल से भाग निकले थे और उसके बाद उन्होंने अपनी माफिया फैमिली की मदद से छुपने का इंतजाम किया और वो अपनी फैमिली क्लैन में आज तक छुपे हुए बैठे हैं। और ऐसे ही एक माफिया और स्मगलर की स्टोरी से इंस्पायर होना वाकई है। कैसे होगा पुष्पा का एनकाउंटर? कौन मारेगा पुष्पा को? किन और चीजों की स्मगलिंग करेगा पुष्पा? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा जो स्मगलिंग पर आधारित मूवी थी, इसमें कहा जा रहा था कि ये एक बड़े स्मगलर वीरप्पन की कहानी से मिलती हुई है। तो आज हम वीरप्पन की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि वीरप्पन के पिता गोपीनाथम एक चरवाहे थे। बचपन में वीरप्पन को मोलाकई के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि 18 साल की उम्र में वीरप्पन अवैध शिकार करने वाले गिरोह से जुड़ गया था। इसके बाद उसने अपने विरोधी गिरोह को मारकर जंगल पर एक छात्र राज करने लगा। जैसे हमने पुष्पा में पुष्पाराज का राज देखा था, वीरप्पन की जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार उसने अपने जीवन में 200 से अधिक हाथियों का शिकार किया था। वीरप्पन के गिरोह में 40 लोग थे। वो पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या में कोई हिचक नहीं करता था। उसका मानना था कि उसकी बहन मरी और भाई अर्जुन की हत्या के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, जैसा कि अब हमें पुष्पा 2 में देखने मिलेगा, जहां श्रीवल्ली की मौत का जिम्मेदार पुलिस होती है और जिससे ना पुष्पा और भी फायर हो गया है। पुष्पा से पहले भी वीरप्पन की जिंदगी पर 2016 में राम गोपाल वर्मा द्वारा चंदर तस्कर वीरप्पन पर फिल्म बनाई गई थी। नाम था वीरप्पन। इसमें वीरप्पन का किरदार संदीप भारद्वाज ने निभाया था। इस फिल्म में वीरप्पन के चंदर तस्कर बनने की कहानी बताई गई है। ये तो हुई फिल्मी बात, लेकिन वीरप्पन रियल लाइफ में इतना खूनखार था कि जिस जंगल में वो रहता था ना, पुलिस तक वहां पर घुसने से डरती थी। जैसे अगर हम पुष्पा की बात करें तो जब तक पुष्पा जंगल में रहता था, पुलिस भी वहां भटकती नहीं थी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के मुल्लाकाडु में हुआ था। उसे 18 अक्टूबर 2005 को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। तो क्या पुष्पा राज का भी यही हाल होने वाला है? तो बता दे कि कहानी बेशक वीरप्पन की हो या उससे इंस्पायर्ड हो, मगर इसमें ना फिक्शनल पार्ट जोड़ा गया है। वीरप्पन चाहे एक विलन हो, लेकिन पुष्पा राज हीरो है और उसे हीरो की तरह ही फिल्म में दिखाया गया है और लोग भी उसे हीरो ही मानते हैं। वीरप्पन का पूरा नाम कुज मुनिस्वामी वीरप्पन था। ये चंदन की तस्करी के अलावा हाथी के दांतों की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, किडनैपिंग और हत्याओं में भी शामिल था। कहते हैं कि इसे पकड़ने के लिए ना सरकार ने हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी 20 साल में करीब 40 करोड़ रुपए। ऐसे ही पुष्पा भी पुष्पा 2 में ऐसी कई स्मगलिंग को अंजाम देगा। स्मगलिंग बस लाल चंदन तक सीमित नहीं रहेगी, अब आगे पुष्पा हर्बल जड़ी बूटी के साथ साथ चाय की पत्तियों की भी स्मगलिंग करेगा ताकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके। साथ ही कहते हैं वीरप्पन की छवि अपने गांव में एक रॉबिनहुड की तरह थी। गांव वाले ही उसे पुलिस की मुखबिरी देते थे। 1986 में वीरप्पन पकड़ा गया था, लेकिन वो भागने में सफल रहा। ऐसे ही पुष्पा 2 में भी पुष्पा पकड़ा तो जाएगा, लेकिन उसके ही गांव वाले उसे भगा देंगे, क्योंकि पुष्पा गांव वालों को खाना पीना और पैसा देगा, पूरे गांव का विकास भी करवाएगा, जिससे पुष्पा सब गांव वालों के लिए एक भगवान होता है। ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी केजीएफ 2 से मिलती हुई लग रही होगी, तो कहानी तो शुरू से ही मिल रही थी। वीरप्पन ने 1991 में मृत्युलक्ष्मी से विवाह किया था। इससे 3 बेटियां हुई, युवरानी, प्रभा और एक अन्य, जिसकी उसने गला घोट कर हत्या कर दी थी। कहते हैं कि उस वक्त वीरप्पन के गिरोह में ना करीब 100 सदस्य थे। बच्ची की रोने की आवाज ना जंगल में दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। इसी डर से उसने अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पा की शादी और बच्चे दिखा सकते हैं। वो किसी बच्चे को मारेगा तो नहीं, क्योंकि हमने बताया ना कि ये लोगों के लिए हीरो है और हीरो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में आए। पुष्पा की मौत की कहानी वहां से शुरू होगी जब जून 2001 में सीनियर आईपीएस भंवर सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री फोन कर पुष्पा का एनकाउंटर करने का आदेश देंगे। फिर पुलिस ने पुष्पा के गिरोह पर गोलियां चलाई। सुबह 10:50 पर एनकाउंटर शुरू होगा और 20 मिनट बाद पुष्पा और पक्षियों की आवाजें निकाल लेता है, जिससे वो पुलिस को गुमराह करने में सफल हो जाता था। वो पुलिस वालों को कहता है कि उसने ना अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर करीब 100 बार देखी है।
ऐसे ही पुष्पा राज पुष्पा 2 में अपनी एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया बनाएगा। पुष्पा 2 में पहले से ज्यादा एक्शन और म्यूजिक ऐड किया जाएगा और एनकाउंटर सीन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 2 वीरप्पन के नाम पर हिट होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पुष्पा को आखिर किससे हुआ प्यार, श्रीवल्ली में क्या था खास? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। पुष्पा यानी कि गरीबों का रखवाला। भाई साहब, पुष्पा का एक फंडा क्लियर है कि उसे किसी से डरना नहीं है और कोई बुरा काम नहीं करना, और बेहद गरीब होने के बाद भी पुष्पा का ये एक सपना है कि उसे एक दिन सब कुछ हासिल करना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर उसे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा और वो सब करके दिखाएगा। पुष्पा जहाँ का रहने वाला है वहाँ सबसे ज्यादा रेड टिम्बर का प्रोडक्शन होता है, और गांव का जो भी व्यक्ति बड़ा आदमी बना है वो इसलिए है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं रेड टिम्बर की तस्करी में अपना हाथ लगाया है। पुष्पा वैसे तो अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता है जहाँ पर मजदूरी करके उसे दो वक्त की रोटी की पगार मिल जाती है, लेकिन वो देखता था कि कैसे उसका सेठ अपना सारा काम मजदूरों से कम पैसे में करवाता और खुद लाखों का मजा लूट रहा था, और इसलिए पुष्पा ने ठान लिया था कि वो भी ऐसा कुछ करेगा जिससे वो बड़ा आदमी बन पाए। और इसी डिसीजन के साथ वो ये पता करने में लग जाता है कि आखिर किस तरह से रेड टिम्बर के बिजनेस में घुसना है और कैसे इसकी शुरुआत करनी है। पुष्पा बिजनेस के साथ झोल समझता है और इसके साथ वो ये भी समझता है कि कैसे और कहां पुलिस रेड टिम्बर की ट्रैफिकिंग को चेक करती है। पुष्पा ने यहां तक कि सी वेज के भी सारे रस्तों के बारे में रिसर्च कर ली थी और अब वो तैयार है इस खेल को खेलने को। पुष्पा ने इसके साथ ही साथ अपने गाँव में गरीबों के लिए स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। पुष्पा का बचपन बड़ा ही दर्दनाक रहा है। वो एक बिन बिहाई माँ का बेटा था। गांव वाले उसे हमेशा गंदा खून कहते थे, और अब इतने सालों बाद पुष्पा का मन में ये बात इस तरह से घर कर चुकी है कि वो अब समाज में अपने जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पुष्पा एक दिन एक खुफिया रास्ते से 5 ट्रक रेड टिम्बर कहीं इलीगली पहुंचा रहा होता है, तभी पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस पुष्पा को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन पुष्पा भी पूरी तरह से चौकन्ना था और उसने फुर्ती दिखाते हुए सारे के सारे टिम्बर नदी में अनलोड करने का फैसला लेता है और पुलिस के साथ उसके भयंकर मुठभेड़ होती है, लेकिन वो ये मुठभेड़ में जीत जाता है और अंत में वो ये सारे टिम्बर उनके मंजिल तक पहुंचा ही देता है। पुष्पा आगे किन खतरों से लड़ते हुए दिखाई देगा ये जानने समझने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। पुष्पा एक अच्छा आदमी है, वो आगे जाकर अपना घर एक अच्छी लड़की के साथ बसाना चाहता है। इसके लिए उसने लड़की पसंद भी कर ली है, नाम है श्रीवल्ली, अपने पिता की इकलौती बेटी जिसने अपने पूरे घर को संभाल रखा है। पुष्पा को श्रीवल्ली की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। सिंडिकेट का नया रूलर, क्या होगी भवर सिंह की चाल, क्या बदल जाएगा सिंडिकेट का रूलर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आपने अब तक देखा कि कैसे शेखावत सिंह ने श्री वीनू बालकृष्णन के साथ हाथ मिलाकर पुष्पा के खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश की। अब आगे सभी और MP सिद्धप्पा नायडू के इलेक्शन और पोस्टर की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। सिद्धप्पा नायडू ने सिंडिकेट के सभी मेंबर्स की मीटिंग रखी जिसमें सभी नायडू से मानो मुंह फुलाए बैठे हैं। तभी पुष्पा की एंट्री होती है। पुष्पा की एंट्री लेते ही नायडू खुश हो जाता है। पुष्पा भी नायडू को इलेक्शन को अभी से ही जीतने की बधाई देने लगता है, पर सिंडिकेट के बाकी सभी मेंबर्स मानो जल ढूंढ रहे हैं। सिद्धप्पा नायडू बताता है कि अभी एक महीने तक उन्हें अपने लाल चंदन का धंधा बंद रखना होगा क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है, जिस पर सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्शन के लिए हम अपना धंधा क्यों बंद करें, इसी सिंडिकेट के पैसों से तुम MLA खरीदते हो। जिस पर पुष्पा कहता है, तुम लोग ये बड़ी बड़ी बात करते हो पर बिना सिद्धप्पा नायडू के हमारा ये सिंडिकेट भी नहीं चल सकता।
सिद्धप्पा नायडू MLA खरीदता है और पावर में ही तभी हमारी चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर पाती हैं, पुलिस की रेड से बच जाती हैं और तुम सब ऐसा बेवकूफों की माफिक बात कर रहे हो। सिद्धप्पा नायडू बताता है कि इलेक्शन ड्यूटी के टाइम उसे सिंडिकेट और उससे जुड़े कोई भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर सिंडिकेट पकड़ा गया तो वो भी इस समय कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्शन तक वो MP नहीं बल्कि एक कैंडिडेट ही कहलाएगा और उसका पूरा ध्यान इलेक्शन पर ही होगा। इसीलिए अच्छा होगा कि एक महीने तक वो सब सिंडिकेट का काम रोक दे। सिंडिकेट के मेंबर्स ये सुनकर गुस्से का घूंट मानो पीकर रह जाते हैं। तभी सिद्धप्पा नायडू का PA वहां आता है और बताता है कि उनका एक MLA उनके ओपोजिट पार्टी में चला गया है। तभी फोन रिंग होता है और सिद्धप्पा नायडू के पार्टी वाले बताते हैं कि उन्हें 3 और MLA उनके ओपोजिट पार्टी में चले गए हैं। सिद्धप्पा नायडू गुस्से में अपने PA पर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है, कौन हमारे MLA खरीद रहा है? जिस पर PA सर झुका लेता है और कहता है, सर इस बार श्री वेणु बालाकृष्णन अपने ओपोजिट खड़ा हुआ है और वही ये सब कर रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी पुष्पा से कहता है, तुम अब इस सिंडिकेट के कर्ता धरता हो, याद रहे एक महीने तक सिंडिकेट का कोई भी काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो। ये कहकर सिद्धप्पा नायडू वहाँ से निकल जाता है। पुष्पा कहता है, भाई लोग अब क्या यहाँ से बिरयानी खा के जाने का है क्या, चलो अपनी तशरीफ उठाओ और निकलो यहाँ से। पता है ना सिद्धप्पा नायडू ने कहा है एक महीने तक सिंडिकेट का सारा काम बंद और अपन भी जा रहा है श्रीवल्ली के साथ एक महीने के हनीमून पर, तब तक अपने को कोई लोचा नहीं मांगता है, क्या समझ में आया ना। कहते हुए वो वहां से निकल जाता है और सिंडिकेट के मेंबर्स बस गुस्से की भरी नजरों से उसे घूर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि शेखावत सिंह ने एक बड़े से गोडाउन को बुक किया है। शेखावत सिंह श्री वेणु बालाकृष्णन को फोन करके बताता है कि उसका काम हो चुका है और हमें पता चलता है कि उस बड़े से गोडाउन में लाल चंदन की लकड़ियां रखी गई हैं। पुष्पा श्रीवल्ली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। श्रीवल्ली पूछती है कि क्या पुष्पा शुरू से सिंडिकेट का बॉस बनना चाहता था। पुष्पा बताता है कि पुष्पा जहां भी रहता है बॉस बनकर ही रहता है, चाहे वो सिंडिकेट हो या फिर कोई और चीज, पुष्पा कभी किसी के सामने झुकता नहीं। श्रीवल्ली बताती है कि वो और पुष्पा की माँ को पूजा करने गए थे, वहाँ मंदिर में उन्होंने पूजा के समय पुष्पा के पिता के नाम रखा, तभी वहाँ मुलटी मोहन ने आकर पंडित जी से कहा कि पुष्पा उनका सगा भाई नहीं और नाजायज खून है, इसीलिए वो ये पूजा करके खुद पर पाप ना चढ़वाएं। ये सुनकर पुष्पा कहता है, तू मुझे अभी ये बात बता रही है, मैंने और मेरी माँ ने उनके कारण क्या कुछ नहीं झेला और अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें पुष्पा का पावर दिखाना ही पड़ेगा, तो चिंता मत कर, आज के बाद से मुलटी मोहन या उसके घर का कोई भी सदस्य तुझे कुछ सुनाने लायक ही नहीं बचेगा। ये कहकर पुष्पा गुस्से के मारे वहाँ से जाने लगता है, पर श्रीवल्ली उसे रोक लेती है। पुष्पा मुझे पता है कि मुलटी मोहन ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है और माँ के साथ भी, पर उन्हें नुकसान पहुँचाने से पहले ये भी सोच कि माँ को कैसा लगेगा, क्या माँ इस बात से खुश होंगी, वो भी आखिर तुम्हारा ही खून है। पुष्पा कहता है, ए मेरे को ये ज्ञान मत झेड़, वो सब लातों के भूत हैं और उन्हें वैसे ही समझ आएगा, मेरी माँ ने उनके सामने कितने हाथ जोड़े, कितनी विनती की, पर उन्होंने कभी मेरी माँ की तरफ दया नहीं दिखाई, उल्टा उन्होंने मुझे और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करनी चाही, तू देख अब वो कैसे हमारे सामने नाक रख देंगे। कहते हुए पुष्पा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। क्या पुष्पा छोड़ देगा ये सिंडिकेट, क्या पुष्पा ही है खुफिया एजेंट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हम आपको अपनी पिछली वीडियो में पुष्पा 2 से जुड़े कुछ सीक्रेट या उससे जुड़ी कहानी बता रहे थे। आइए जानते हैं आगे। हमने आपको बताया था कि पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। चौंक गए, रुको, इसमें भी मैं लॉजिक दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाली गैंग्स को जड़ से खत्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे तस्करी की गिनती जीरो हो गई। ये इसीलिए भी काफी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से।
कोई भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और स्मगलिंग का माल पुलिस की नजरों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। फिल्म के शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमैक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, याद आया कुछ? एक गिटार जो जापान में मिलता है और काफी महंगा आता है क्योंकि उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भैया। मतलब दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में माल मुर्गन को सीधा बेचने जाता है। यहाँ मुर्गन के चेहरे को तो दिखाया गया लेकिन मुर्गन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। बस एक आदमी छतरी लेकर मुंह छिपाए खड़ा दिखाया जाता है। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसमें पुष्पा बस एक छोटा सा मेंबर है और इसी के द्वारा फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। पुष्पा की जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एक पुष्पा की माँ और दूसरी श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर्स से पंगा लेके। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनना है तो श्रीवल्ली का मरना जरूरी है और ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी। तो उसके लिए पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। और पुष्पा 2 के बारे में आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। क्या श्रीवल्ली की हो जाएगी मौत पार्ट 2 में? क्या राज खुलेगा शेखावत का? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमने आपको अभी तक पुष्पा 2 की कहानी में बताया कि पुष्पा के लिए सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। अब आगे, अब देखो, जब श्रीवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। बस यहाँ से पैसा पावर गया सब भाड़ में और पुष्पा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। रेड्डी ब्रदर्स, जिनमें से एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन, फिर श्रीनु और उसकी साइको बेबी। इन लोगों को भी अपने मरे हुए भाई का बदला चाहिए और एक अपने पॉलिटिशियन सर जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं, वो दूसरे पार्ट में पुष्पा की जिंदगी के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे क्योंकि इनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ है। अब इन सब से तो पुष्पा लड़ ही लेता और आसानी से जीत भी जाता, मगर कहानी के इस 6th पॉइंट की एंट्री ना होती जो पुष्पा की जिंदगी को नर्क बना देगा। हरियाणा से ट्रांसफर हुए आईपीएस मिस्टर शेखावत को भूल तो नहीं गया, सिर्फ 15 मिनट में पूरे 2 घंटे की फिल्म को डोमिनेट कर दिया था इन्होंने। लेकिन क्लाइमैक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती से इनका पूरा मजाक बन गया। अब देखो, भंवर सिंह शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है ये जरूर दिखाया गया, लेकिन इनको पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स की गिनती कम करना चाहते हैं, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से। लेकिन ये ऐसे हैं क्यों? इनकी बैक स्टोरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इनसे इतना क्यों डरते हैं? उसका सीक्रेट खुलेगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा का एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की भी कोई छुपी हुई कहानी है जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में गुंडों वाले काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर पुष्पा को गिनना है तो उसके अतीत को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। पुष्पा के रिश्तेदार पुष्पा के पार्ट 1 में इनका कैरेक्टर एकदम नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में इनका वर्तमान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो कैसे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद। क्या
जीशु हुए मूवी से बाहर, कहाँ हो रही है मूवी की शूटिंग? मेकर्स ने क्यों कहा कि जीशु कभी भी मूवी का हिस्सा नहीं थे? पुष्पा द राइज के निर्माता ने अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जीशु यूसेन गुप्ता के पास पहुंचे थे, लेकिन वो तारीख के मुद्दों के कारण मूवी नहीं कर सके। अब इस हफ्ते की शुरुआत में अफवाहें फैलने लगी कि तेज तरार अभिनेता पुष्पा 2 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने जीशु के फैंस को भी काफी एक्साइटेड कर दिया था। खैर, अब हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं और ये निश्चित रूप से उन लोगों को निराश करेगा जो पुष्पा 2 में लोकप्रिय अभिनेता को देखने के इच्छुक थे। वो बहु प्रतिशत सीक्वल का हिस्सा नहीं है, इस बात की पुष्टि जीशु के करीबी सूत्र ने किया। वे सभी रिपोर्टों में जिनमें दावा किया गया है कि जीशु यू सेन गुप्ता पुष्पा के सीक्वल में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, निराधार है। उन्होंने कहा कि वो पुष्टि कर सकते हैं कि पुष्पा द रूल का हिस्सा वो नहीं है। हालांकि प्रोडक्शन टीम, निर्देशक या अभिनेता की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि जीशु पहले भी पुष्पा 2 में खलनायक भूमिका का हिस्सा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये किरदार पहले विजय सेतुपति को दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय दक्षिण अभिनेता को अपनी पिछले प्रोजेक्ट्स के कारण ना कहना पड़ा। तब चर्चा तेज थी कि निर्माताओं ने खलनायक की भूमिका के लिए जीशु से संपर्क किया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और बंगाली अभिनेता पुष्पा द रूल में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीशु भले ही पुष्पा 2 का हिस्सा ना हो, लेकिन वो समांथा रुद्र प्रभु और देव मोहन की पीटर ड्रामा शकुंतलम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो 4 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। इस बीच पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजल अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगी। पहले ऐसी खबरें थी कि मूवी के एक बड़े हिस्से की शूटिंग पश्चिम बंगाल में बंकुरा में की जाएगी। हालांकि निर्माताओं ने कथित तौर पर बाद में शूटिंग का स्थान बदल दिया और शूटिंग स्केड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं आई। पुष्पा द राइज पहली मूवी को 2021 में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और ऐसा क्रेज था कि तेलुगु मूवी को बाद में हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया। एक्शन एंटरटेनर पिछले साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई और बड़ी सफलता ने अल्लू अर्जुन को रातों रात एक स्टार बना दिया था। तो आप इस अपडेट से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें, बाय बाय। केशवा दे सकता है पुष्पा को धोखा, क्या पुष्पा हो सकता है एक सीक्रेट एजेंट? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट का नाम था पुष्पा द राइज, जिसने भी ये फिल्म देखी होगी वो ये जरूर जानता होगा कि ये फिल्म पुष्पा की अर्श से फर्श यानी एक मामूली नौकर से पूरे शहर का मालिक बनने की जर्नी है। फिल्म के सेकेंड पार्ट का टाइटल है पुष्पा द रूल, यानी कि अभी तक पुष्पा ने सिर्फ गद्दी जीती है, उस पर बैठना और राज करना अभी बाकी है। फिल्म का सेकेंड पार्ट पहले ही अनाउंस हो चुका है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी कहानी क्या होगी। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, इसलिए हम आपके लिए 2 पॉइंट्स लेकर आए हैं जो हो सकता है हमें आने वाले सेकेंड पार्ट में देखने को मिले। पहला पॉइंट, हम सब केशवा को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही जिसने पुष्पा के लिए अपना मालिक बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड और बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था। लेकिन क्या होगा अगर बेस्ट फ्रेंड ही धोखेबाज निकले तो? अगर आप लोगों ने फिल्म ध्यान से देखी होगी तो फिल्म में केशवा की एक उंगली नहीं है, जिसके पीछे एक स्टोरी हो सकती है। अब किसी की उंगली मजाक में तो कट नहीं सकती, इसलिए हो सकता है कि ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट या फिर किसी और गैंग का भेजा हुआ सीक्रेट एजेंट हो, जो पुष्पा को सही टाइम आने पर हमेशा के लिए फिनिश करने की कोशिश करे, पर किसके इशारे पर ये अभी पता नहीं है। बस यही से निकल कर आता है हमारा दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा की स्टोरी लाइन में देखने को मिल सकता है, जिसे हम लोग एक गैंगस्टर और क्रिमिनल समझ रहे हैं। क्या होगा अगर वो कोई पुलिस वाला हो जो अंडरकवर ऑपरेशन के लिए सिंडिकेट से जुड़ा कोई शख्स हो और उसका टारगेट हो सैंडलवुड स्मगलिंग से जुड़े गैंग्स को पूरी तरह से खत्म करने का, और इस काम को करने का सबसे सही तरीका था उनमें से एक बन जाना। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया और बाद में दोनों गैंग के इम्पोर्टेंट मेंबर्स को मार दिया।
ऐसे ही धीरे धीरे स्मगलर्स की गिनती कम हो जाएगी। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी सडनली। और जिस तरह से स्मगलिंग के माल को एक जगह से दूसरी जगह पुष्पा ने पहुंचाया, उस तरीके को एक पुलिस वाले से ज्यादा अच्छे से कौन सोच सकता है। क्या विलन बनने के लिए तैयार नहीं है विजय सेतुपति? कब रिलीज होगी पुष्पा 2? हेलो एवरीवन, मैं जसिका नरोला स्वागत करती हूँ आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो जिसे किसी भी नाम या पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका स्टाइल, लुक ही उनकी शख्सियत है और पहचान भी। और अब आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन से हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। टॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में, जिन्होंने पुष्पा फिल्म में धमाकेदार एक्टिंग और डायलॉग्स का तड़का लगा के सबको अपना दीवाना बना दिया। लेकिन अब ये यहाँ तक रुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, अब बारी हो रही है अब पार्ट 2 की। तो तैयार हो जाइए पार्ट 2 के कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए। जिसने भी पुष्पा फिल्म देखी होगी उसे तो पता ही होगा कि फिल्म में सिर्फ एक ही विलन था जिसे हमारे पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को लड़ना था। लेकिन पार्ट 2 की कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि फिल्म में होंगे 2 विलन जिससे हमारे पुष्पा को लड़ना भी होगा और जंग जीतनी भी होगी। खैर ये तो जाहिर सी बात है, पुष्पा फिल्म में सबसे खतरनाक विलन था कौंडा रेड्डी और एक्टर अजय घोष ने कौंडा रेड्डी का किरदार प्ले किया था। काफी इंटेंस परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर दूसरा विलन कौन होगा, तो आपको बता दें कि सुपरस्टार विजय सेतुपति पुष्पा 2 में एंट्री लेने वाले हैं। विजय सेतुपति एक्टर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने ज्यादातर तमिल फिल्मों में काम किया है, इसलिए तो इस बार पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें चुना है ताकि पुष्पा 2 में 2 विलन मिलकर पुष्पा को हराने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों विलन तो विलन ही होता है और हीरो को हराना